ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। बालकृष्णाभ्याम नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानम ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दकनीरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। संस्कार चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। आप सभी बड़भागी हैं कि श्री धाम वृंदावन में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारे यजमान परिवार, आप सभी के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं तब जाकर श्री धाम वृंदावन में इस पावन से अनुष्ठान को करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। और आप सभी के कारण हजारों लोगों को यहां बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। आप सभी को विदित है कि पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमें सेवा से भी जोड़ते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प श्री धाम वृंदावन में चलाए जा रहे हैं, लोग बड़ी आतुरता से आकर इन सेवाओं का दर्शन करते हैं और इन सेवाओं को देखते हैं कि अद्वितीय सेवा, जिसका कहीं हम एक बार चिंतन भी करने में सोचते हैं होती है तो एकमात्र स्थान गौरी गोपाल स्थान ही नाम आता है। ऐसी सुंदर सी सेवा को देखने के लिए लोग दूर दूरांचलों से पधारकर यहां पर इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं और इन सेवाओं को देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है मानो सतयुग चल रहा हो। कुछ परिवार
जो अपनी माताओं को छोड़कर ऐसी स्थिति में घर से बाहर कर देते हैं, जिस स्थिति में वो मां रह रही हैं, जिस उम्र से गुजर रही हैं, उस उम्र में अपने खुद का कार्य नहीं कर पा रही हैं, ऐसी परिस्थिति में पूज्य श्री महाराज जी उन माताओं को स्थान दे रहे हैं। उन माताओं के रहने की, भोजन की, रोजमर्रा की जो भी जरूरतमंद की सामग्री है उन्हें प्रदान की जा रही है। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा ऐसी सुंदर सी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की सेवा यहाँ पर चल रही है, आप चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। सभी लोग इन सेवाओं से आकर्षित हो रहे हैं और आकर के इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं। दान से दरिद्रता का और सदाचार से दुर्गति का, उत्तम बुद्धि से अज्ञान का तथा सद्भावना से भय का नाश होता है। इसलिए हमें भी सेवा से अवश्य जुड़ना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से हमारे मन में सदाचार की भावना होती है, हमारी बुद्धि उत्तम होती है और हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग प्राप्त होता है। यदि हम दान करते हैं तो हमारा जीवन सुव्यवस्थित होता है। आप सभी इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं। गौरी गोपाल वृद्ध माताओं की सेवा के साथ साथ गौरी गोपाल विशाल अन्न क्षेत्र भी यहां पर चलाया जा रहा है, जहां हजारों साधु संत, हजारों जरूरतमंद, हजारों विद्यार्थी आकर के निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र से आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी गौरी गोपाल रसोई से जुड़ सकते हैं, जहां हजारों तीर्थयात्री, हजारों जरूरतमंद आकर के निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। आप सभी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, या जो भक्त श्रीधाम वृंदावन पहुंचकर इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सेवाएं चल रही हैं। आप सभी भी इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं। आप छोटे से सहयोग से हजारों लोगों को भोजन प्रसाद पवा सकते हैं। आप एक वृद्ध माँ का सहारा बन सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा गौरी गोपाल वृद्ध माताओं की सेवा के साथ साथ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल रसोई, गौरी गोपाल संत निवास की भी यहां पर सेवाएं चल रही हैं। आप भी उन संत निवास के लिए एक वर्ग गज, दो वर्ग गज, ईश्वर ने जिस प्रकार से आपको सामर्थ्यवान बनाया है उस प्रकार की सेवा आप ले सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला चलाई जा रही है, जहाँ सुंदर सी गौ माताओं की सेवा हो रही है और गौ माताओं के हरे चारे के लिए भी यहाँ पर भूमि आवंटित की जा रही है। आप उसमें भी अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। आप भी एक गौ माँ को गोद ले सकते हैं, उनके चुनी चोकर भूसे इत्यादि की व्यवस्था करा सकते हैं। आप भी अपने सहयोग से अपना नाम गौ भक्तों में लिखा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो वृद्धाश्रम बन रहा है, आप उस वृद्धाश्रम में एक कमरे का निर्माण करा सकते हैं। 5 लाख रुपए के सहयोग से आप भी कुछ माताओं को रहने के लिए आवास की व्यवस्था करा सकते हैं। ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो इन सेवाओं से अवश्य जुड़ें। गौरी गोपाल आश्रम के लिए छत निर्माण के लिए भी आप 51,000 रुपए के सहयोग से उन वृद्ध माताओं के सर पर छत की व्यवस्था करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा गौरी गोपाल गुरुकुल जो यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसी सुंदर सी गुरुकुल की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं और भी विद्यार्थी आकर यहाँ रहें, विद्या अध्ययन करें, अपनी संस्कृति को पहचाने। ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए भी आप अपना सहयोग श्री धाम वृंदावन तक पहुंचा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, लोग चैनलों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं और श्री धाम वृंदावन में आकर भी इन सेवाओं का जो दर्शन कर रहे हैं, वो सभी जुड़ रहे हैं और अपना सहयोग समर्पित कर रहे हैं। आइए ऐसे महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं। बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे। श्री धेयज यादव जी छत्तीसगढ़ से आप 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। हेमा यादव जी छत्तीसगढ़ से आप 3000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। उमेश यादव जी खरसिया छत्तीसगढ़ से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री सुभाष चंद्र जी बसोली से आप 11000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। जम्मू से किसी सज्जन ने गुप्त दान के रूप में 11000 रुपए। बिमला देवी जम्मू से 21000 रुपए। आप भी वृद्ध माँ का आजीवन सहारा बन रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आशीष जी हरदा मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग। देवती वसुंधरा गाजियाबाद से विशेष सहयोग। योगेश कुमार दिल्ली से 5100 रुपए। गीता देवी राजस्थान से एक वृद्ध माँ के लिए आप 21000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। मंजू देवी महेंद्रगढ़ हरियाणा से आप 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। विश्वेश्वर प्रसाद प्रयागराज से 5100 रुपए। शंभू आसाम से आप 2500 रुपए। रघुनाथ शरण शुक्ला जी आप प्रयागराज से 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं।
संतोष भाई मैसूर से 2100 रुपए, संध्यापति उड़ीसा से 11000 रुपए, मोती चंद्र जी दिल्ली से 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में राजकुमार शाह मालदा बंगाल से आप 3000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गायत्री सिंह जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 11000 रुपए, स्वर्गीय रूपीलाल शर्मा जम्मू से 21000 रुपए, बिशन हांसी हरियाणा से 21000 रुपए, पूजा जी आप रोहतक हरियाणा से 25000 रुपए का सहयोग समर्पित करते हुए आप भी गौ सेवा में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। श्रीमती शशिवाला जी 11000 रुपए, फूलेश्वरी शाह जी 3000 रुपए, गुप्तदान के रूप में 10300 रुपए, मदन सिंह उत्तराखंड से विशेष सहयोग, साक्षी जी आगरा उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, गुप्तदान शाहजहांपुर से 11000 रुपए, रीना जी 11000 रुपए, संदीप जी उत्तराखंड से 2350 रुपए, श्याम किशोरी झांसी से 2100 रुपए, मोहनलाल शर्मा जी जमुनानगर हरियाणा से 11100 रुपए, शरद चौधरी जी वेस्ट बंगाल से आप भी 11000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी चैनल के माध्यम से जो दर्शक कथा से जुड़ रहे हैं या जो भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी भी इसी प्रकार सहयोग समर्पित कर सकते हैं और अपना नाम इन भक्तों के साथ जुड़वा सकते हैं। हमारी संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर फैस हो रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए हमारे मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे राधे। जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे। जब चले आएंगे बिहारी, Thank you.
राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे हो राधे राधे हो राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे जप चले आएंगे बिहारी, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, चले आएंगे बिहारी, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम जय जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, श्याम श्याम जय राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, जी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, जी राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी
माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी बड़ी दूर दूर से आए हैं और प्रेम से कथा का लाभ ले रहे हैं। आए हुए सभी भक्तों को, सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। वृंदावन की पावन धरती पर आप सभी लोग प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बन करके श्री स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद यादव जी, मैया श्रीमती कृष्णा देवी यादव जी, आप बड़े प्रेम से कथा का रसपान कर रही हैं मैया जी, और साथ में आपका पूरा परिवार, पुत्र श्री विजय कुमार जी, श्रीमती लता यादव जी, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, श्री अजय कुमार, श्रीमती निर्मला यादव जी, सुखी रहिए। आप सब बिहारी जी की शरण में आए हैं, भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें, यही कामना है। श्री संजय कुमार, श्रीमती आशा यादव जी कहाँ हैं? अच्छा, नहीं आए। श्री जय प्रकाश, श्रीमती माधवी यादव जी, खुश रहिए। श्री ओम प्रकाश, श्रीमती गंगोत्री यादव जी, श्री अंजुलता यादव जी, श्री मंजुलता यादव जी, श्री अदिति, अनन्या, होमी, वरुण, आहना, वैंकी, प्रीशा, छोटा बाबू, मौली, विशु एवं समस्त यादव परिवार, महासमुंद की पावन धरती छत्तीसगढ़ से आप आई हैं, और मैया जी पूरा यादव परिवार इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जो यहाँ आए हैं वो यहाँ, जो नहीं आए वो टीवी पर सुन रहे हैं, है ना? आप सबको अच्छा लग रहा है वृंदावन में? घर में ज्यादा अच्छा लगता है कि वृंदावन में? सही तो आते रहा करो। मैया आपको अच्छे लगे? अच्छा लग रहा है, खुश रहिए। साथ ही स्वर्गीय श्री परशुराम जी, श्रीमती जीराबाई यादव जी, बेटा श्री बाबूलाल यादव जी, श्रीमती कौशल्या यादव जी, श्री दिनेश यादव जी, पुत्री गंगोत्री, रिंकी, पिंकी, आप सभी प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करते हुए छत्तीसगढ़ की पावन धरती से, भिलाई से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं। आप लोगों ने जो कार्य किया है, यह ऐसा कार्य किया कि शायद आपकी पीढ़ी में शायद कभी किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया होगा कि वृंदावन धाम में आकर वो भागवत जी का इस तरह बड़ा आयोजन कराएं। आपने अपने 21 पीढ़ियों को तार दिया, ये बिल्कुल पक्की बात है। श्री राजा राम कौशिक जी, श्रीमती रामेश्वरी कौशिक जी, समस्त कौशिक परिवार, देखो ये लोग अपने कल्याणार्थ, इनके पूर्वजों का भी कल्याण होगा, इन्होंने भी अपने पूर्वजों को 21 पीढ़ियों को तार दिया, लेकिन ये अपने कल्याण के लिए। देखो एक बार हम अपने पूर्वजों के लिए कार्य करें कि भागवत जी हम पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, एक बार अपने लिए भी करो कि ये हम अपने पुण्य के लिए, कि हमारे बच्चे भविष्य में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, करें ना करें, तो हमें पुण्य के लिए, मोक्ष के लिए किसी से भीख ना मांगना पड़े। इतना पुण्य तो करके ही मरना कि उस पुण्य के बल पर ही आपका उद्धार हो जाए, आपको किसी से भीख ना मांगना पड़े। भैया थोड़ा तुम पुण्य कर दो तो हमारी मुक्ति हो जाए। कुछ कार्य, अच्छे काम करके ही जाओ। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान सबकी आवश्यकता है, है ना? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान सबकी आवश्यकता है, ऐसे ही भागवत, अन्नदान और गौदान सबकी आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान यहां लगता है, और भागवत का पुण्य, अन्नदान का पुण्य और गौदान का पुण्य वहां काम आता है। ये तीनों पुण्य होने चाहिए। भागवत सुनो,
जीवन में अन्न दान करो, चाहे चींटी को ही खवाओ, पर ये हम चींटियों को जो दाना डालते हैं ना, वह भी अन्न दान है। कबूतर को आपने दाना डाला, वो भी अन्न दान। भाई किसी को दान दे रहे हैं ना, बस दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि आप किसी एक इंसान का पेट भर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक चुटकी आटा दे देंगे ना तो सैकड़ों चींटियों का पेट भर जाएगा। तो चींटियों का भर लो, पशुओं का, पशु पक्षियों का भरो, और आप लायक हैं तो अतिथियों को भोजन कराओ, संतों को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, जरूरतमंद को अन्न दान। जरूरत से ज्यादा संपत्ति ईश्वर ने दी है आपको, आपके खर्चे से भी बच रहा है तो उसे देना चाहिए। आपकी तो सारी जरूरतें पूरी हो गई, फिर भी आपका पैसा आपके पास है, तो कुछ वो सेवा में लगे, क्योंकि वो जो बचा रखा है वो तो आपके संग नहीं जाएगा, पर जो आपने किसी को दे दिया, जैसे आपने बैंक में एफडी कर दी, तो सेव है वो बढ़ के ही आपको कुछ वर्षों में मिलती है। ऐसे आपने किसी दीन दुखी जरूरतमंद संतों को अन्य क्षेत्र इत्यादि करा दिया, अन्न दान दे दिया, तो वो एफडी हो गई। अब जो दान दिया है वो बढ़कर ही मिलेगा जब जरूरत पड़ेगी। ये पुण्य की एफडी है। इसलिए जीवन में गौदान वैतरणी नाम के नरक से गौ पार लगाती है। अभी गोपाष्टमी भी आने वाली है, शायद 20 तारीख को है, कन्फर्म हम बताएंगे। गोपाष्टमी वो दिन है जिस दिन से भगवान गैया चराना शुरू किए थे। कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष की है ना अष्टमी, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष, उसे गोपाष्टमी कहते हैं। तो गाय की सेवा जरूर कीजिएगा। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने सैकड़ों गायों का दान किया, गाय दान। इसलिए जीवन में अन्न दान, गौदान और भागवत, ये तीन कार्य करके ही मरिएगा। रोटी कपड़ा मकान यहां की जरूरत, भागवत अन्नदान और गौदान वहां की जरूरत। जीवन में पुण्य का कार्य जितना हो करो। आगामी 16 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेंगी, कार्तिक के माह में 16 तारीख से बैठेंगी, तो गोपाष्टमी भी बीच में आएगी और एकादशी भी आ रही है, देव उठनी एकादशी। अब देवता उठेंगे, कब आएगी देव उठनी एकादशी पता है ना आपको? शायद 23 तारीख की है, कन्फर्म बताएंगे हम। लगभग आप देख लेना पंचांग कैलेंडर। तो बड़ी एकादशी है, इस एकादशी से यदि आप लोग एकादशी नहीं रहते तो इससे एकादशी प्रारंभ कर सकते हैं। और सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी है। कोई व्रत करो मत करो, एकादशी महीने में दो, कृष्ण पक्ष की और अभी इस पक्ष की एकादशी भी आने वाली है, 9 तारीख की है, ठीक है, आने वाले, हम बताएंगे एक दिन पहले। एकादशी इसी से कर लो, देव उठनी से कर लेना स्टार्ट, करो एकादशी जरूर करो। अभी 16 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी, आप लोग भी अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। और आज एक बढ़िया सूचना हम आपको दे दें, आज यूट्यूब पर आप लोगों ने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया यूट्यूब पर, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य नाम का जो चैनल है, आज उसमें सवा करोड़ लोगों का परिवार पूरा होने जा रहा है, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ लोग जुड़े हैं इस अनिरुद्धाचार्य नाम के चैनल से। आप लोग भी अपना मोबाइल निकाल लो, अभी 1.25 करोड़ होने में जरा सी देरी है, तो आप मोबाइल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी देखते देखते हो जाएगा, और मैं अभी आपको बधाई दे दूंगा। यूट्यूब पर जाइए, अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिए, चैनल खुल कर आएगा,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के लिए आपको कथा की लिंक प्राप्त हो जाए इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और कथा सुनने के लिए काम करते हुए, झाड़ू पोंछा करते हुए भी कथाएं सुनते रहे, गाड़ी ड्राइव करते हुए भी सुनते रहें, जिसमें आज तक देखिए 1,24,91,327 लोगों का परिवार जुड़ा है। आप भी मोबाइल निकाल करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर जाकर अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिए, ANIRUDD, अनिरुद्धाचार्य की स्पेलिंग कुछ लोग सही लिखते हैं, कुछ लोग गलत भी लिखते हैं, ANIRUDD है, DHACHARYA। फिर ऐसे चैनल खुल के आएगा, आप जुड़ जाइएगा। फिर अभी देखते देखते आज कितने लोगों का परिवार पूरा होने वाला है, 1,25,000,000। ये देखिए आपने सब्सक्राइब किया, यहां गिनती बढ़ना स्टार्ट हो गई, ये देखिए फास्ट आपने अपना मोबाइल उठाया और चैनल को सब्सक्राइब किया कि गिनती यहां बढ़नी स्टार्ट, तुरंत अभी आपके देखते देखते ये 24 से 25 होने जा रहा है और बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार। आध्यात्म की सबसे अधिक सेवा, आज युवाओं को जगाने का सबसे अधिक प्रयास ये दास अनिरुद्ध कर रहा है और आप सब लोग सुधर रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं आपके अच्छे राह पर चलने का, बाकी चलना आपको है। और आप लोग सुनते हैं, आज युवा बेटियां बेटे जो मोबाइल पर उल्टी सीधी चीजें देखते थे अब वो कथा सुनने लग गए। बहुत सारी हमारी माताएं भी कथाएं अब झाड़ू पोंछा रसोई में भोजन बन रहा है और कथा चल रही है, मतलब तेजी से लोग कथा से जुड़ रहे हैं और हमारा देश अब बदल रहा है, आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। ये परिवर्तन हम सब देख पा रहे हैं, धीरे हुआ, सब धीरे धीरे है पर हो गया। कोरोना के बाद बहुत तेजी से आध्यात्म की तरफ भारत बढ़ा है, आप मानते हैं इस बात को? कोरोना के बाद बहुत तेजी से भारत आध्यात्म की ओर बढ़ा है। दुनिया की कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी कोरोना में काम नहीं आई, किसी देश की भी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आई। दूर से जो भारत में परंपरा थी, दूर से नमस्ते, दूर से राम राम, वो टेक्नोलॉजी काम आ गई दूर से। हाथ मिलाने वाली ठीक नहीं रही क्यों ऐसे? तो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता सबसे श्रेष्ठ है और यही भारतीयता ये दास अनिरुद्ध आप तक पहुंचाता है, आपके बच्चों को। कितने, जब मैंने कथा में कहा कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, तो आप आश्चर्य मानेंगे, लाखों लोग ऐसे बन गए जो नौकरी देने वाले बन गए, लाखों। मतलब यहां इस मंच से जो बात कही जाती है वो एक दो लोगों पर असर नहीं डालती, एक साथ लाखों लोगों पर असर डालती है। एक बात, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा सुनकर मांस खाना छोड़ दिया, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा से शराब पीना छोड़ दिया, गलत राह से सही राह पर आ गए। कितनी लाखों बहुएं ऐसी हैं जिन्होंने सास की सेवा करना शुरू कर दी, लड़ना झगड़ना खत्म हो गया। कितने लो पत्नियां ऐसी हैं जिन्होंने अब पति में और पत्नी में जो कहा सुनी होती थी झगड़े, वो समाप्त हो गए। कितने लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो गया केवल कथा से। और ये व्यापक है, मतलब हजारों की मात्रा में नहीं है ये परिवर्तन, लाखों, बल्कि कहें तो आने वाले टाइम पर यदि आपका आशीर्वाद और प्यार रहा और आप भी कथाएं सुनते औरों को जोड़ते रहे तो ये लाखों की संख्या करोड़ों में चली जाएगी। करोड़ों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं कथा से। कोई भारत में ऐसा कोई गांव, भारत नहीं, अभी हम लंदन गए थे तो वहां भी लोग कथा सुनते थे मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा। जब हम लंदन में गए तो लंदन के पास जितने देश थे, स्पेन था, इटली थी और भी जो भी देश वहां के पास पास, वो वहां से लोग कथा में आए थे, दूसरे दूसरे देश से, और वो सब बता रहे थे कि हम सुन रहे थे,
हम कथाएं सुनते हैं, मतलब वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में जो कथा हो रही है, इस कथा को केवल भारत के नहीं संसार का प्रत्येक व्यक्ति, लगभग जो सनातनी है, जो धर्म को जानता है, वो सब सुन रहे हैं। तो आप जुड़िए, औरों को जोड़िए, और इस परिवार को विस्तार से, यदि आप चाहें तो इस परिवार को आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में जा जाकर सबको बताएं कि भैया तुम भी कथा सुना करो। औरों को भी बोला करो, भैया क्या कर रहे हो, संस्कार चैनल पर कथा आती है, यूट्यूब संस्कार चैनल 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनो, वरना मोबाइल पर सुनो, यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य डालो, कथा मोबाइल पर घर बैठे, आजकल तो इतनी इंटरनेट की सुविधा है, उसका लाभ लीजिए ना, आनंद लीजिए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी 1,25,00,000 लोगों का परिवार होगा और आप सब बधाई के पात्र बनेंगे, अभी आपको बधाई दी जाएगी, फास्ट कार्य कीजिए। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हाँ या ना? कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना था, राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा, 7 दिन में ही क्यों लगा, 8 दिन में क्यों नहीं, 7 दिन का ही श्राप क्यों लगा, 8 दिन का लग जाता, 10 दिन का लग जाता, 6 दिन का लगता, 2 दिन का लगता, 7 दिन इति लंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनी, 7 दिन का ही श्राप क्यों लगा, क्योंकि हम सबके लिए ये मैसेज था कि संभल लो, जीवन 7 दिन का ही है। जीवन कितने दिन का है, सोमवार से रविवार तक दिन कितने होते हैं, दिन 7 होते हैं, 8वां दिन होता ही नहीं है, इसलिए 7 दिन को संभालने के लिए 7 दिन का श्राप लगा कि आप 7 दिन को संभाल लो, 8वें दिन का इंतजार ना करना, ये 7 दिन में ही हम आते हैं, एक दिन आए थे, एक दिन आने के बाजे बज रहे थे, एक दिन जाने के बाजे बज रहे हैं, आए और चले गए, खत्म कहानी, आए और चले गए, ये जीवन है। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसके जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यो तारा प्रभात। जैसे पानी में बुलबुला उठता है ना, उठते ही समाप्त हो जाता, ऐसे ये जीवन बुलबुले की तरह, आज है कल रहेगा, कोई भरोसा नहीं। परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने, राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, बढ़िया VIP रूम। कलयुग कहां कहां रहता है, जुआ में जुआ ना खेला करो, शराब में शराब ना पिया करो, मांस में मांस ना खाया करो, चरित्रहीनता में चरित्रहीन मत बनो, और बेईमानी से कमाए गए धन में कलयुग का वास है। ये 5 ठिकाने कलयुग के हैं, कलयुग 5 जगह है। आप लोग इन 5 चीजों से बच गए तो आपका लोक भी सवर जाएगा, परलोक भी सवर जाएगा। ये 5 में से आप 5 से 5 हाथ दूर रहो। किस किस से दूर रहेंगे, पहला तो जुआ है। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते, मैं आप खेलती हो, लूडो भी नहीं खेलती हो, मैं आप लूडो खेलती हो, लूडो खेलते, जुआ मत खेला करो, जुआ खेला दुर्योधन ने सर्वनाश हो गया। आजकल के बच्चे जुआ खेलते हैं, इसलिए समझाओ बच्चों को, आजकल तो मोबाइल पर ऐप आने लगे हैं जुआ के, जंगली रमी इत्यादि, ये सब जुआ के ही ऐप हैं, और बड़े बड़े आपके सुपर डुपर स्टार लोग जुआ का प्रचार कर रहे हैं, जुआ को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ या ना? अब बताओ, जुआ बुरी चीजों का प्रचार करना चाहिए क्या, जोर से? लेकिन आपके सुपर डुपर स्टार लोग तो करते हैं, दाने दाने में केसर का दम, गुटके का प्रचार, जुए का प्रचार करते हैं कि नहीं आपके सुपर डुपर स्टार लोग, हाँ या ना?
हाँ डाउनलोड कराते हैं वो लोग आपसे, ऐड करते हैं कि नहीं, फिर इसका मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि आप जुआ खेलो, आप गुटखा खाओ। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग शराब का प्रचार करते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो आप लोगों को लगा कि गम जाता होगा तो आप भी एक पैक मारने लग गए। अब ये सुपर डुपर स्टार बताइए हर गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, और आपने क्या बना रखा है सुपर डुपर स्टार, उन लोगों को जो आपके बच्चों का भविष्य खुलेआम बिगाड़ रहे हैं। आपके बच्चे यदि आज जुआ खेलने लग गए तो कौन जिम्मेदार है जरा मुझे बताओ। यदि आपका बेटा जुआ खेलने लग गया और 1,00,000 रुपए हार गया तो कौन जिम्मेदार है? वही सुपर डुपर स्टार जो प्रचार कर रहे थे जुए का। गलत चीज का प्रचार करना चाहिए? बोलो भाई। तो पर ये कर रहे हैं कि नहीं? अब मैं नाम भी बता सकता हूं, पर नाम क्यों बताऊं, आप जानो। अब इनसे पूछो कि भैया क्या तुम्हारे घर में भूखमरी मची है, खाने को क्या रोटी नहीं है जो तुम गलत चीज का प्रचार करके पैसा कमा रहे हो? अच्छे चीज का प्रचार करो, समाज आपको देखती है, समाज ने आपको सुपर डुपर स्टार बना रखा है, समाज आपका आदर करती है, तो आप गलत चीज क्यों? अब बताओ क्या इन लोगों को गुटके का प्रचार करना चाहिए? गुटका अच्छी चीज है क्या? जोर से। अब ये लोग गुटके का प्रचार करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? दाने दाने में केसर का दम। तो इनसे कहो कि अपने बेटे को भी खवाते हो कि नहीं? हाँ? देखो जरा, ये लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं और आपके बच्चों को क्या कह रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। षड्यंत्र समझ रहे हैं? अब ना समझो तो फिर कोई समझा भी नहीं सकता बाप को। जितना नुकसान हमारे देश में अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, उससे ज्यादा नुकसान संस्कृति को ये सुपर डुपर स्टार पहुंचा रहे हैं, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को। हाँ या ना? हर गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अंडे, संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार कर रहे हैं ये लोग। क्यों जी कर रहे हैं? अब अंडे का कोई प्रचार करने की चीज है अंडा? अरे अंडे का प्रचार तो कर रहे हैं सहजादे, लेकिन गन्ने के जूस का प्रचार नहीं करते। गन्ने के जूस का प्रचार करते तो देश का किसान, गन्ने का किसान फांसी लगा के ना मरता, आत्महत्या ना करता। अंडे का प्रचार कर रहे हैं और आप लोगों ने उन्हें क्या बनाया? फिल्मी जगत का भगवान बना दिया आपने, सुपर डुपर स्टार बना दिया। आप लोगों के मोबाइल पर उनकी फोटो लगी रहती है फ्रंट पर, लोगों ने तो घर में उनके चित्र लगा रखे हैं, उन लोगों के जो आपको गुटका के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जुआ की प्रेरणा दे रहे हैं। और वो लोग ज्ञान भी देते हैं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो, ज्ञान भी देते हैं वो लोग। हाँ बात सही है कि गरीबों में बांटना चाहिए, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या फायदा, गरीबों में बांटो। तो उन लोगों से पूछो कि तुमने पिक्चर बना के करोड़ों कमाए तो तुमने कितना बांटा गरीबों में, कितने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने स्कूल खुलवा दिए गरीबों के लिए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई तुमने, बनवाई हो तो जरा नाम बताओ मुझे। बंबई में आज भी लोग फुटपाथ पर सोते हैं और ये कहते हैं शंकर जी पर दूध चढ़ाओगे तो वेस्ट होगा, गरीबों में बांटो। बात सही है गरीबों में बांटो, लेकिन कोई शंकर जी पर दूध चढ़ाता है तो उसकी अपनी आस्था है, क्या बुराई है? शंकर जी पर दूध आदमी चढ़ाता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, बहुत ज्यादा नुकसान किसी का नहीं होता, लेकिन शराब पी करके कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, कितनी माओ का बेटा मर गया, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया समाप्त हो गया। शराब ज्यादा नुकसानदायक है, जो पैसा शराब में आप लगाते हो वो गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? जब तुम्हें ये याद है कि शंकर जी पर दूध चढ़ाओ उससे अच्छा गरीबों में बांटो, तो मैं सहमत हूं आपकी बात से।
तो ये भी तो सही है कि जो पैसा शराब में खर्च हो रहा है वो भी आप गरीबों में बांटो। ये शराब खुद पीते हैं और आपको उपदेश क्या करते हैं, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? तो उनसे बोलना, भैया हमारा शंकर जी पर दूध तो 5 रुपए 10 रुपए का है, तुम तो 1-1 हजार की बोतल पीते हो। हाँ या ना? पर कौन समझाए? आप लोग कभी पलट के प्रश्न करते ही नहीं, आप तो बस वो जो कह देते हैं आप सही मान लेते हो। वो तो षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत का युवा केवल नशा करने लग जाए। यदि भारत का युवा यदि बढ़िया से काम करने लग गया ना, भारत का युवा यदि तरीके से काम करने लग गया, नौकरी देने वाला बन गया, तो दुनिया में भारत बहुत तेजी से दुनिया पर हुकूमत कर लेगा। भारत यदि देश का युवा जाग गया तो, भारत का युवा। अब ये लोग चाहते क्या है कि भारत का युवा नशे में उलझा रहे, क्योंकि जो नशे में उलझा रहेगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये लोग एक षड्यंत्र के तहत आपको नशे में उलझाए रखना चाहते हैं। इसलिए हर पिक्चर हर मूवी में आपको शराब का सीन दिखाई पड़ जाएगा। हाँ या ना? शराब के सीन क्यों दिखाना? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार पिक्चरों में शराब पीते नजर आ रहे हैं। मैं शराब पीने लग जाऊं तो आप मुझे गलत कहते हैं, लेकिन वो शराब पी रहे हैं तो वो सही कैसे हैं बताओ भाई। समाज जिन्हें देखता है, समाज जिन्हें फॉलो करता है, उन्हें अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि वो गलत हो गए तो उनके आचरण से समाज भी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं। हाँ या ना? इसलिए आप लोग समझो कि आप अपने बच्चों को गुटखा खिलाना चाहते हैं, शराब पिलाना चाहते हैं क्या? तो फिर आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना रखा है। आप लोगों ने उन्हें तो सुपर डुपर स्टार बना दिया जो आपके बच्चों को केवल गलत चीज सिखा रहे हैं, और जो संत आपके बच्चों को सही मार्गदर्शन करते आए हैं सदियों से, उन संतों को आपने ढोंगी पाखंडी कहना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये षड्यंत्र, देखिए ऐसी पिक्चरें बनाए उन्होंने जिसमें वो संतों को बदनाम करते हैं। आज के युवाओं को पिक्चर बनाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, आज के युवाओं को ना संतों से दूर कर रहे हैं। इतना बदनाम कर दिए संतों को कि आज के युवा को संतों से नफरत हो गई है, नफरत हो गई। तो उन्हें क्या लगता है, ये बाबा जी तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। अब देखो बाबा जी के लिए आप लोग क्या कहते हैं, बाबा जी ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और गुटके का प्रचार ये लोग कर रहे हैं, शराब का, विदेशी शराबों का प्रचार कर रहे हैं ये लोग, तो ये आप लोगों को धन्ना सेठ बना रहे होंगे। भाई बाबा जी ने तो आपको ठग लिया सही ज्ञान देकर। बाबा जी तो कहते हैं बेटा माँ बाप की सेवा किया करो, हम आपको कहते हैं कि शराब ना पिया करो, जुआ ना खेला करो, गलत काम ना करो, सच बोलो, ये हम समझाते हैं। और हम जैसे तमाम संत देश के समझाते हैं, तो हम जैसे संतों को, हम जैसे लोगों को, हम तो क्या संत, हम तो आपके दास हैं, हम जैसे तमाम उन संतों को लोगों ने, कुछ लोगों ने गाली दी, अपमानित, अरे तो बाबा पाखंडी है, ढोंगी है। मतलब जो आपको सही बता रहे हैं उन्हें आप ढोंगी कह रहे हैं, और जो खुलेआम गलत बता रहे हैं उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना रखा। देख लीजिए आप, ये हो रहा है हमारे देश में। इसलिए तो लोग कहते हैं भलाई का जमाना ही नहीं है, संत लोग भलाई की बात बताते हैं तो लोग पाखंडी कह रहे हैं, और वो खुलेआम गलत बता रहे हैं, तो आपने डीपी में उनकी फोटो लगा रखी है। हाँ या ना? संतों का अपमान पिक्चर बनाने वालों ने जी भर के किया है। वो तो भारत की संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, इन्होंने जोर लगा के सारा कुछ कर लिया,
वो तो भगवान की कृपा ऐसी है इस देश पर कि इनका जोर बहुत लगाए पर सफल ना हो पाए। आप में से कुछ लोग जागरूक हैं। अब पिक्चर बनाने वालों ने सीरियल बनाए ना। अब देखना जरा सीरियलों में क्या देखते हैं आप लोग। सीरियलों में एक महिला को पेश करते हैं ये लोग, जो बड़ी सी बिंदी लगाई, बड़ी मांग भरी भारतीय साड़ी ब्लाउज पहनी हुई है, भारतीय पहनावा, उस स्त्री को ना उसे सास बनाते हैं ये लोग। सास का अभिनय वो ऐसे दिखाते हैं, बिल्कुल खड्डूस प्रकार की सास जो अपनी बहू पर बड़ा अत्याचार करती है। मतलब भारतीय पहनावा जो भारत की सास रही है, उस सास को सीरियलों के माध्यम से गलत दिखाया गया। अब ये लड़कियां जब वो सीरियल देखेंगी तो ये क्या सोचेंगी, मेरी सास भी तो ऐसी नहीं रहेगी। और उनमें सीरियलों में जो जींस पहनने वाली सासें हैं, जो आज के जमाने की सासें, उन्हें बढ़िया बताया गया, जो विदेशी पैटर्न पर चलने वाली है। मतलब कुल मिला के भारतीय परंपरा जो रही है, उस भारतीय परंपरा को आज के युवाओं के अंदर इस भारतीय परंपरा के खिलाफ ये जहर भरना चाहते हैं, और कुछ हद तक तो ये सफल भी हो गए। आजकल की लड़की शादी होते ही क्या कहती अपने पति से, ये बुढ़िया रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। ये वही तो है जो सास बहू और साजिश देख करके आई है, ये वही तो है जो सीरियल देख के आई है। इसको ऐसे दिमाग इसका कन्वर्ट कर दिया गया शादी के पहले ही सीरियल के माध्यम से कि तेरी सास बिल्कुल खड्डूस होगी, सास के प्रति कोई आस्था नहीं है उसकी, सास का कोई सम्मान नहीं है उसके अंदर, मरे तो मर जाए, उसे सास से, सास नाम से नफरत हो गई है, क्योंकि टीवी सीरियल पर ऐसे ही दिखाया गया है। हाँ या ना, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, ऐसे सीरियल आते हैं जो सासों को गलत बताते हैं। अरे भाई माना कि कोई सास गलत होगी, पर बताओ सास तो कौशल्या माँ भी रही हैं। आज तक आपने सुना कि उन्होंने सीता पर कोई अत्याचार किया, माता सीता पर? अरे सास बहू भारत में माँ और बेटी की तरह रहा करती थी, ये परंपरा थी, लेकिन टीवी सीरियल के माध्यम से हर रिश्ते में जहर घोलने का प्रयास हुआ है। हाँ या ना? और हिंदू संस्कृति के अतिरिक्त दूसरी संस्कृति के खिलाफ आज तक कोई पिक्चर बनी हो तो नाम बताओ। केवल हिंदू संस्कृति, देवी देवताओं को, हमारे भारतीय पहनावे को टीवी सीरियल पर जो तिलक लगाने वाले तिलक लगाते हैं तो उसे विलन बना देते हैं। हमारे देश में ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई कि जो तिलक लगाए हैं उन्हें विलन बता दिया, ताकि तिलक लगाने वालों से भी लोगों को नफरत हो जाए कि ये तो ऐसे हैं। पिक्चरों में तो कुछ भी बताया जा सकता है। पिक्चरों में बताया गया कि प्यार किसी से भी आप कर सकते हैं, प्यार की कोई जात पात नहीं होती। इस चक्कर में आज हिंदू लड़की मुसलमानों को ले लेके भाग रही है, कुछ लव जिहाद क्या है, यही तो है। प्यार में बता दिया पिक्चर ने कि प्यारे किया तो डरना क्या, प्यारे किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यारे किया तो। हाँ तो आप आजकल के लड़का लड़की सोचते हैं, बात तो सही है, जब प्यार किया तो डरना क्या, चलो शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज, अब क्या डर है, कोई डर नहीं। आपको क्या लग रहा है ये षड्यंत्र कोई आज से है? पिक्चर बनाने वाले जो हैं शुरू से ही पिक्चर बनाने, जैसे हमारे देश में पहले शिक्षा मंत्री ही गलत बन गए। हमारा देश जब आजाद हुआ तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे देश में पाठ पढ़ाया जाता था, हम लोगों ने मीरा के पदों को पढ़ा है। बाद में शिक्षा प्रणाली से पहले हम लोग पढ़ते थे गा गणेश का, गा से गणेश, फिर गा से गधा हो गया। मतलब गलत लोगों के हाथ में सत्ता आएगी, गलत लोगों के हाथ में पावर आएगा तो गलत ही तो होगा, बोलो। हाँ
कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्ति भारत का शिक्षा मंत्री होता तो वो शिक्षा के लिए कुछ करता। अब हमारी शिक्षा प्रणाली अब जाकर के सुधर रही है, कुछ पता, हम लोगों ने मुगलों के बारे में पढ़ा, हम लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में कम पढ़ाया गया। शिवाजी के पिता कौन है आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, शिवाजी की माँ कौन है आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, झांसी की रानी की माँ का नाम क्या है आप नहीं जानते होंगे, झांसी की रानी के पति का नाम क्या है आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप मुगलों के बारे में पूरा जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया, उनके बाप कौन थे, उनके बाप कौन थे। क्यों? क्योंकि आपको आपकी संस्कृति के बारे में पढ़ाना जरूरी नहीं समझा गया, उन आक्रांताओं की संस्कृति पढ़ाई गई जिन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। शुरू से ही गलत आदमी के हाथ में सत्ता आ गई। शिक्षा मंत्री, अब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अब कुछ ठीक हो रही है, आगे भगवान जाने कितनी हो पाएगी। अब हमारे देश में बहुत जरूरी है आप लोगों का जागरूक होना। ऐसे ही पिक्चर बनाने वाले जो शुरुआती थे वो सब वो लोग थे जो भारत से, भारत हिंदुओं से नफरत करते थे, सनातन धर्म से नफरत करने वालों के हाथ में पिक्चर बनाने की सत्ता आ गई तो वो ऐसे पिक्चर बना डाले जिसमें भारतीय संस्कृति का मूल समाप्त करने का षड्यंत्र चालू हो गया। पिक्चरों ने तो भगवान तक लॉन्च कर दिए। बोलो हाँ, बताओ पिक्चर से कौन भगवान लॉन्च हुए हैं, जरा बताओ, याद है आप लोगों को तो कौन से भगवान पिक्चरों से लॉन्च हुए हैं, बताओ जोर से। हाँ? हाँ? अरे राम 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 राम। हमारे देश में आप लोग किसी चीज पर गौर नहीं करते, इसलिए गलत करने वाला ना बार बार गलत करता है और आप पता ही नहीं, आपको आपको ये भी नहीं पता कि क्या गलत हुआ आप आपके संस्कृति के साथ, ये नहीं पता आपको तो फिर क्या बताएं हम आपको। पिक्चरों ने एक नए भगवान लॉन्च कर दिए और इतना कामयाब उनका वो कार्य रहा कि आज हिंदू दो भागों में डिवाइड हो गया, भारत में हिंदू बट गए, भगवानों को लेकर बट गए। भगवान कितने हैं, जोर से, जोर से और जोर से। हाँ, एक पिक्चर आई थी अमर अकबर एंथोनी, आई थी, देखी भी होगी आप लोगों ने। अमर अकबर एंथोनी, इस पिक्चर में एक गीत है, गाना बताओ कौन सा, उसी में भगवान को गलत तरीके से, गलत को भगवान बना के लॉन्च कर दिया और आप लोग सब गाते हैं वो गाना, बताओ कौन से, किस किसने देखी है ये मूवी। अरे बाबा जी, आजकल घर घर गली गली मंदिर नहीं बन गए बाबा जी के, राम जी को नीचे बिठा दिया गया, कृष्ण जी को नीचे बिठा के बाबा जी की पूजा करते हैं। अब आप लोग समझो नाम लेने से क्या फायदा है, समझदार को इशारा और ना इशारा समझ पाए तो फिर मूसर हो तो हम क्या करें। एक ऐसे बाबा जी को भगवान बना दिया गया, आज हर शहर में मंदिर बना दिए गए। कौन बाबा, कौन से बाबा, आप समझदार हैं, घर घर लोगों ने फोटो रख ली, मंदिरों में रख लिए, ये कौन है, ये पिक्चर बनाने वालों ने लॉन्च किया था। उस पिक्चर के पहले इनको कोई जानता रहा हो तो बताए, जानता रहा हो तुम अपने बाप दादों से पूछना कि कोई जानता था। अब तो भारत की ये स्थिति है कि कोई नया भगवान लॉन्च करे तो वो भी लॉन्च हो जाते हैं।
आजकल तो कोई भी भगवान लॉन्च कर रहा है, इसलिए समझाते हैं आप लोगों को भगवान कितने हैं। जोर से, क्या नाम है? जोर से, जोर से। श्रीमन नारायण, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, वही नारायण शिव है, वही नारायण शक्ति है, वही गणेश है, वही हनुमान है। इनके अतिरिक्त जो भी भगवान बने मंदिरों में पूज रहे हैं वो सब फ्रॉड है, गलत है। और आप लोगों ने मूर्खता की सारी हदें पार कर दी। आप लोगों को कोई कुछ भी बोल दे आप भगवान मान लेते हो। अरे राम जी और कृष्ण जी, नारायण यही तो भगवान है। और क्या कौन भगवान है बताओ? वह राम ही जगन्नाथ हैं, वह कृष्ण ही जगन्नाथ जी, वही तिरुपति बाला जी हैं, वही बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठ्ठलनाथ जी वही हैं, वही रंगनाथ जी हैं, वही बिहारी जी हैं, राधा रमण जी, राधा जो आपके घर में गोपाल जी हैं वही भगवान कृष्ण हैं, ये भगवान है। शालिग्राम जी भगवान है, कोई बाबा कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है? क्या दूसरा आदमी आपका पति हो सकता है? जब कोई दूसरा मर्द आपका पति नहीं हो सकता तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस, थोड़ी तवक्कल लगाया करो मेरी माँ। इसलिए थोड़ा आप लोग पिक्चरें देखते हो, मैं भी पिक्चरें कभी कभी इसलिए देखता हूं कि देखूं तो सही कि ये लोग अब नया कौन सा षड्यंत्र लेकर के आए हैं। आपके देखने का नजरिया अलग है, हमारे देखने का नजरिया अलग है। हम तो ये देखते हैं कि ये हमारी संस्कृति को कितना लाभ पहुंचा रहे हैं और कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बलात्कार कोई नहीं जानता था आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले। पिक्चरों में बलात्कार के सीन दिखाए, खूब सारे दिखाए, हाँ या ना? बलात्कार के सीन दिखा दिखा करके ये जितने नौजवान बच्चे उस समय की पिक्चरें देखने वाले रहे, तो जब वो बलात्कार का सीन देखेंगे तो उनके अंदर भी तो उत्तेजना जागेगी, वो भी सोचेंगे मैं भी करूं। क्या जरूरत थी बलात्कार के सीन दिखाने की? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी बताओ आप लोग? सारी अश्लीलता आज टीवी आप देखो, साबुन का भी एड आता है तो साबुन का एड करने वाली जो स्त्री होती वो बेचारी इतनी गरीब के इतने इतने से कपड़े पहनती है, उसे देखकर ही शर्म आ जाए, आंखें बंद करनी पड़ती है, राम राम क्या है, हाँ या ना? ये बताओ, ये आपके छोटे छोटे बच्चे जब ये देखेंगे अश्लीलता तो ये क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? क्या टीवी सबके घर में है और सबके घर में टीवी है तो क्या ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि टीवी पे क्या दिख रहा है, क्या दिखने योग्य है, क्या दिखने योग्य नहीं है? क्यों जी, क्या ये ध्यान नहीं रखना चाहिए? कैसी भी पिक्चरें बन जाती हैं, कैसे भी अश्लील सीन आ जाते हैं, अश्लील बातें आ जाती हैं टीवियों पर, पिक्चरों पर, वो आपके बच्चे भी देख रहे होते हैं, आप भी देख रहे होते हैं, आपको कोई ऐतराज नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपकी आदत हो गई है, आपने गलत को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे भीष्म पितामह ने दुर्योधन को एक्सेप्ट कर लिया था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, और फिर एक्सेप्ट कर तो लिया, परिणाम ये हुआ कि सर्वनाश हो गया। गलत को आप स्वीकार कर लीजिए तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, गलत तो गलत रहेगा। भले आपने स्वीकार कर लिया तो क्या स्वीकार करने से सही हो जाएगा? क्या भीष्म पितामह ने दुर्योधन को स्वीकार कर लिया तो क्या दुर्योधन सही हो गया? गुरु द्रोणाचार्य ने स्वीकार कर लिया तो सही हो गया?
ना, क्यों किया स्वीकार आप लोगों ने? विरोध क्यों नहीं किया पितामह? आपने विरोध क्यों नहीं किया दुर्योधन का? ना, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तू गलत है। गुरु द्रोणाचार्य, आपने विरोध क्यों नहीं किया? तू गलत है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। कर्ण ने विरोध क्यों नहीं किया? तू गलत है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। यदि ये सब विरोध करते तो महाभारत कभी ना होता और निर्दोष लोगों की जान कभी ना जाती। आप लोग भी हर गलत कार्य देखते हैं समाज में, लेकिन आप स्वीकार कर चुके हैं, अश्लीलता को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ या ना? हर टीवी पर अश्लील चित्र आ रहे हैं, हर पिक्चरों में, हर मूवियों में अश्लीलता डाली जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं इसलिए वो डालते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई, उस पर विवाद भी हुआ था कि वो लड़की कोई भगवा कलर के कपड़े पहनी थी और उसके भगवा के चक्कर में उसका विवाद भी हुआ था, है ना? और वो कितना अश्लील चित्र था, आपने देखा होगा, उस पिक्चर का तो विरोध हुआ था। अभी आई लेटेस्ट, अभी 2-3 महीने पहले थी, मतलब वो सीन आपने उसको जब देखा, मैंने पहली बार टीवी पर जब उसका चला तो देखा, मतलब वो सीन कितना अश्लील था, हाँ या ना? बताओ आप। अच्छा, मेरे को बस अश्लील लगा था, आप लोगों को क्या अच्छा लगा था? देखो आप लोग तो अच्छा कह रहे हैं, अश्लील। और वो पिक्चर ना खूब कमाई करके चली गई, बहुत हजारों करोड़ कमा लिए उसने। आज तो साहब यही बिक रहा है, बिक भी रहा है। हम समझा तो सबको रहे हैं, आप सिर भी हिला रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद आप देखेंगे क्या? वही देखेंगे, वही टीवी देखेंगे, वही सीरियल देखेंगे, वही सास बहू और साजिश देखेंगे। हमारा धर्म है सच को बताना, स्वीकार करना ना करना। विदुर जी ने जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो विदुर जी ने विरोध किया था, ए भाई दुर्योधन, ए दुशासन, रुक जा, ये गलत हो रहा। विदुर जी ने कहा, पितामह बोलो, गुरु जी बोलो, आचार्य कृपाचार्य जी बोलो, कोई नहीं बोला। विदुर जी बोले, मैं अकेला बोलूंगा तो मैं बोल रहा हूं, ये गलत हो रहा है द्रौपदी के साथ। दुर्योधन ने कहा, इस बुढ़े को हटा दो यहां से। विदुर जी बोले, तू क्या हटाएगा, मैं खुद ये सभा छोड़कर जा रहा हूं। गलत को रोको, ना रुके तो उस गलत का परित्याग कर दो। विदुर जी ने त्याग दी उस सभा को और महाभारत के युद्ध में विदुर जी ने किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं किया। आपने सुना क्या कि विदुर जी किसी तरफ से लड़े? सब लड़े, विदुर जी नहीं लड़े। विदुर जी को पता है इन दुष्टों के लिए क्या लड़ना, जो भरी सभा में एक महिला का अपमान कर रहे हो। पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत हो जाता था, आज तो कपड़े उतार उतार करके लोग पिक्चरें बना रहे हैं, देख लो, और उनकी पिक्चरें हजारों करोड़ कमा रही हैं। उल्टा है रे बाबा, कलयुग चल रहा है। पहले कपड़े उतारने में महाभारत होता था, अब तो कपड़ा उतार के लोग पिक्चरें बना रहे हैं। एक तो घोड़ा, एक आपका सुपर डुपर स्टार, उसने तो सारे कपड़े उतार के फोटो खिंचवाई थी अभी कुछ महीनों पहले। आपका घोड़ा, आपका सुपर डुपर स्टार, हाँ या ना? हाँ, सारे कपड़े उतार के फोटो खिंचवाई निर्वस्त्र होकर, और वो वही है जो आपका फेवरेट है, सुपर डुपर स्टार। देख लो, ये अश्लीलता, इससे बड़ी और क्या अश्लीलता हो? क्यों जी, हम गलत कह रहे हैं? जितने युवा हैं वो सब देख सम देखे होंगे, समझ रहे होंगे, इससे बड़ी अश्लीलता क्या हो सकती है? अब फिर भी आप लोग पिक्चरें देखें, आपके बच्चे जाते हैं पिक्चरें देखने, 3 घंटे की पिक्चर होती है और 3 घंटे की कथा होती है, पिक्चर देख करके कुछ कर ना पाओगे।
विचार अशुद्ध हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी पिक्चर देख के, और कथा सुनोगे तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगति अच्छी करो और अपने बच्चों को अच्छी संगति कराओ, वरना सब बर्बाद तो हो ही रहा है। हाँ या ना? सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, क्या हुआ महाराज, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, आप बताइए कि जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। अब बताओ जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, क्या करें। सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनो, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है महाराज, जिसे जल्दी मरना है, समय की कोई पकड़ नहीं सकता, समय कब खत्म हो जाए, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिले न, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिले न खिले, मलया चल की सुचि सुंदर मंद सुगंध समीर चले ना चले, काली काले कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले ना झिले, भजले हरि नाम हरि रस ना फिर अंत समय में हिले ना हिले, भजले हरि नाम हरि रस ना फिर अंत समय में हिले ना हिले। तो क्षण भंगुर जीवन है, आज है कल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान में मन लगाओ, निद्रा का त्याग करो। आप लोग ज्यादा सोते हैं कि कम, कितने घंटे सोना चाहिए 24 घंटे में बताओ, हाँ कितने घंटे आप लोग कितने घंटे सोते हैं, सोना चाहिए कम से कम 8 घंटे तो बहुत है, 7 घंटे भी चलता है, हम तो 6 ही घंटे सोते हैं। आप लोगों को सोने के लिए पर्याप्त समय है, पर सोने के लिए देखो समय तो सबके पास है, पर सोकर के समय बर्बाद करने से लाभ नहीं। मेरे को लगता है कि समय सोकर ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। कबीरा सोकर क्या करें, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी, एक दिन तो ऐसी नींद में सो ही जाएंगे कि कोई जगाएगा नहीं, सोना चाहिए 7-8 घंटे बहुत, लेकिन आप लोग 8 घंटे रात को और 4 घंटे दिन में। माताएं, हमारी माताएं आजकल बीमार क्यों पड़ रही हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सो रही हैं। पहले की स्त्रियां इतनी बीमार नहीं पड़ती थी, ना घुटनों में इतना दर्द था, ना आंखों में कम दिखना की समस्या थी, ना तो इतनी समस्याएं, पहले तो बच्चे ज्यादा पैदा करती थी माताएं, पहले तो हर घर में 4-4, 6-6 बच्चे होते थे, और आजकल तो 2 में ही तुम परेशान भी हो जाती हो और घुटनों में और कमर में दर्द शुरू स्टार्ट हो जाता है। पहले के लोग काम ज्यादा करते थे, पहले की स्त्रियां कुएं से पानी भरती थी, बढ़िया
बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, शरीर की एक्सरसाइज पूरी होती थी। आजकल आप लोग क्या करते हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं। काम वाली बाई लगी है, झाड़ू वाली बाई है, भोजन वाली बाई है, सब वो करती है। मैडम केवल खाती है और सोती है और प्रपंच करती है पड़ोसन से। अब इसमें तो बीमार ही पड़ोगी। एक बात कान खोलकर सुनो, आप अपने शरीर से जितना काम लेंगे आपका शरीर आपका उतना ही साथ देगा और शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। सोइए 7 घंटे 8 घंटे सोइए, कोई बुराई नहीं है सोने में, पर रात को सोइए, दिन में ना सोइए। दिन में भोजन के बाद आप आधा घंटा विश्राम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विश्राम कीजिए आधा घंटा। कभी सो लिया तो ठीक है, कभी थके हैं, कभी दिक्कत है, बीमार चलता है, कभी रेगुलर हर चीज प्रभावित करती है। आप बताइए, जितना आप आराम करेंगे उतने जल्दी मर जाएंगे आप लोग। आपको क्या लगता है आराम करें, आराम करना मतलब मरना जल्दी। आप जितना आराम करते हैं, शरीर को जितना सुख देंगे, आप उतने जल्दी मरेंगे, हाँ या ना। और शरीर को जितना बिजी रखेंगे काम में, शरीर को जितना तपाएंगे, शरीर से जितना काम लेंगे उतना लंबी आयु पाएंगे और उतना स्वस्थ रहेंगे। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, यदि मैं विश्राम करने लग जाऊं, मेरे पास काम ना हो, कोई मुझे कहे कि 1 हफ्ते की आप छुट्टी लीजिए, तो मैं 1 हफ्ते में 7 दिन यदि छुट्टी का नाम बस सुन लूं कि काम नहीं है, तो मैं बीमार पड़ जाता हूं। मेरे शरीर को आदत हो गई है काम की। हमने शरीर को किस क्या आदत डाल दी है, शरीर आपका है ना, इसे आप बनाए जैसा चाहें। ये जो आप लोग इतना आराम करते हैं ना, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये दिन भर बैठे ही रहते हैं आप लोग। थोड़ा काम किया करें, हाँ या ना, थोड़ा एक्सरसाइज, सवेरे योग। चलो अब आपके घर बाई बाई लगी है तो फिर आप सवेरे आधा घंटा 1 घंटा योग करो। क्या करो, थोड़ा दौड़ो भागो, थोड़ा सा योग प्राणायाम अभ्यास जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, वरना डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो। मैया आप लोगों के तो घुटने में कमर में दर्द नहीं है कि है आपके दर्द है, कहाँ कमर में दर्द है। अब आप खाती हो, काम नहीं करती हो ज्यादा, करते हैं आप लोगों से स्वस्थ तो आपके घर की कामवाली बाई है, वो अपने घर का भी रोटी भोजन बना के आती और आपके घर में भी बना देती, और आप तो यही करती रहती हो, है ना, यहां दर्द वहां दर्द। आपके घर में काम वाली भाई ज्यादा, वो ज्यादा स्वस्थ है आपसे। आप पैसों से धनी हो, वो स्वास्थ्य से धनी है। और धन पैसों का नहीं होता, शरीर स्वस्थ तो सबसे बड़ा धन, शरीर अस्वस्थ तो सबसे बड़ा गरीब। आप करोड़पति हैं पर बीमार हैं तो आपके करोड़ों किसी काम के नहीं। आपका स्वस्थ शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, हाँ या ना। इसलिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आपका खान पान बढ़िया होना चाहिए और आपका कार्यशैली अच्छी हो। शरीर को टाइमिंग, हर चीज टाइम से रखो। 7 घंटे सोना है मतलब सोना है, सोइए। सवेरे जल्दी जागना है मतलब जागना है। सवेरे जल्दी नहाना है, योग करना है मतलब करना है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन करो, बच्चों को शीर्षासन कराओ, और आप लोग भी बढ़िया प्राणायाम करो। चक्रासन करो तो कमर दर्द नहीं होगा, भुजंगासन करो तो कमर दर्द नहीं होगा। भुजंगासन करो, चक्रासन करो। ये दास अनिरुद्ध हम रोज योग करते हैं,
शीर्षासन करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और हम ज्यादा से ज्यादा चलने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चलो, ज्यादा से ज्यादा काम में मन लगाओ, काम करो, आराम नहीं। मैं आराम नहीं करता, आराम से मेरी कोई दोस्ती नहीं। जब मैं कभी बहुत, इसलिए मुझे साल में एक बार बढ़िया बुखार आती है, साल भर की एक बार में आ जाती है, तब भी बुखार रहेगी तब भी मैं काम करता हूं। आज आ चढ़ी रहे बुखार। अभी हमें, अभी आपने सुना कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इतनी कमजोरी, वो डेंगू एंगू नहीं हो जाता, प्लेटें गिर जाती है, डॉक्टर बताते कोई प्लेट व्लेट गिर जाती है, बिल्कुल कमजोरी, मतलब मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, आंख खोलने की जब हिम्मत नहीं थी, तब मैं लंदन गया, कथा करके आया लंदन। उस समय अब तबीयत बिगड़ी, वो जाना है, काम करना है, मतलब करना, तबीयत बिगड़े चाहे कुछ हो, काम किए पूरा काम, ज्यों का त्यों, किसी को पता ही नहीं लगने दिया हमने कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा है। कुछ लोगों को तो जरा जुखाम आ जाए तो बिस्तर पकड़ लेते हैं, कुल मिलाकर के बीमार हो जाएं तो आप आराम करें, आप हमारी तरह काम ना करें उस समय, हम तो अज्ञानी आदमी हैं, लेकिन आप लोग उस समय आराम करें जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हो, डॉक्टर को दिखाएं। हमने भी डॉक्टर को दिखाया, बुखार भयंकर थी, तबीयत भयंकर खराब थी, 15 दिन तक लंबा, लेकिन सारा कोई काम नहीं रोका, एक रत्ती काम नहीं रोका, काम ज्यों का त्यों। इसलिए अपने आप से आराम को दूर रखो। किसको दूर रखेंगे? रात को 7 घंटे आपने सो लिया, 7 घंटे 8 घंटे की नींद परफेक्ट है स्वस्थ व्यक्ति के लिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा रोग को लाएगा। खान पान बढ़िया रखो, स्वस्थ, स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छा खाओ, क्या खाओ, सलाद सब्जी बढ़िया। चलो आप लोग ना उल्टा खाते हो, पिज्जा बर्गर चाउमीन, क्या खाना चाहिए, जोर से ज्यादा वो चीजें खाओ जो आग के संपर्क से दूर हो, मींस पकी चीजें कम खाओ, समझो, सिंपल फंडा बता रहा हूं मैं आप लोगों को स्वास्थ्य का, पकी तली भुंजी पकी चीजें कम खाओ। अब कच्चे चने खाओ, हरे चने आ रहे हैं मार्केट में, चने, हरा मटर खाओ, टमाटर खा लो, ककड़ी खा लो, मतलब जो प्राकृतिक है। 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता बिल्ली शेर हाथी इंसान, केवल इंसान ही पका के खाता है, बाकी सब कच्चा खाते हैं, हाँ या ना? शेर कैसा खाता है, गाय कैसे खाती है, बोलो, सब कच्चा, सब कच्चा। एक इंसान है जो पका के खाता है, जैसा है वैसा खाना सीखो, टमाटर को धुल लो खा लो, ककड़ी को धुल लो खा लो, गाजर को, गाजर का हलवा क्यों बनाना है, हलवा नुकसानदायक है, कच्ची गाजर फायदा करती, पूछ लो किसी डॉक्टर से। आप हलवे, गाजर का हलवा खाओ और कच्ची गाजर खाओ, बताओ कौन फायदा करेगी, शरीर को कौन पोषण देगी, जोर से, कच्चा। आप कच्चा नहीं खाएंगे, पका के खाएंगे। कच्चा चना, कच्चा मटर और मटर की सब्जी बनाओ, कौन फायदा करती है, कच्ची मटर खाओ या मटर की सब्जी खाओ, क्या फायदेमंद है, कच्चा। प्रकृति ने जैसा दिया, गाय का दूध निकले और कच्चा पियो और पका के पियो, दोनों में अंतर है, कच्चा दूध और पक्का दूध। कच्चा दूध वो शक्ति देगा जो पका नहीं दे सकता,
इसलिए प्रकृति से जुड़ो, जैसी है प्रकृति ने जैसा दिया वैसा स्वीकार करना। आपने अपनी तरफ से नमक मिर्ची नहीं लगाना। हाँ या ना, गन्ने के रस में गन्ने का रस कोई पिए, गन्ने को चूसे तो उससे शुगर की बीमारी नहीं होती, मतलब शुगर इत्यादि, लेकिन शक्कर से शुगर होती है। मीठे शक्कर खाने, शक्कर नुकसानदायक है। बताओ गुड़ नुकसानदायक है? जोर से, शक्कर और गुड़ में कौन फायदेमंद है? गुड़ ज्यादा, लेकिन आप ज्यादा शक्कर खाते हैं, गुड़ खाते ही नहीं। आपको कोई मतलब नहीं उन चीजों से जो फायदा पहुंचाती है, आप तो केवल स्वाद देखते हैं, इसलिए आप बीमार हैं। यदि आप स्वाद को किनारे रखकर स्वास्थ्य को देखने लग जाएं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आप स्वास्थ्य नहीं देखते, आप स्वाद देखते हैं। क्या देखते हैं? और ये दास अनिरुद्ध स्वाद नहीं देखता, हमें स्वाद से कोई मतलब नहीं, हमें तो जो हमें खाना है, हम फल खाते हैं। मौसमी चीज खाओ, अभी सबसे बढ़िया सीजन चल रहा है सीताफल का, सीताफल खाओ, एक एप्पल खाओ। अंकुरित मैं रोज चने खाता हूं, चने और दाल, दाल दाल दालों को अंकुरित करके, और हम रोज दालों को खाते हैं अंकुरित, और हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार खाएं 24 घंटे में। लौकी आप लोग आती है ना, लौकी सस्ती है, 10 रुपए की एक मिल जाती है, लौकी का बढ़िया जूस बना लो। अब आप लोग पेप्सी पीते हो, कोका कोला, कोका कोला और लौकी का जूस, बताओ कौन फायदेमंद है? जोर से। पर आप क्या पीते हैं? कोका कोला। क्यों? आप वीआईपी हैं। क्यों पीना है भाई? कॉमन सेंस भी तो है कि देखो नुकसान कितना है और फायदा कितना है। लौकी का जूस क्यों नहीं पीना आपको? कितना फायदा करता है लौकी का जूस, लेकिन नहीं, आप तो महाराज जी अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर की गोली खाओगे इतनी बड़ी बड़ी, वो अच्छी है, लौकी का जूस नहीं पी सकते, इंजेक्शन ठुकवाओगे वो ठीक है तुम्हें, ये नहीं कि लौकी का जूस पिए। गाजर का जूस पियो, लौकी का जूस पियो, पालक का जूस पी लो, 10-20 पत्ते कच्ची चबा लो पालक के, धो के बढ़िया गुनगुने पानी में डुबाओ, गुनगुने पानी में धो सब्जियां, और कच्ची पालक खाओ, देखो आपकी आंखों में चश्मा लग जाए, फिर बताना। अब आप लोग ना बस पिज्जा बर्गर चाउमीन, सड़क में धूल उड़ रही है, उड़ उड़ के चाउमीन में बैठ रही है, और वो चाउमीन आप खा रहे हैं। खाना पीना बिगड़ गया, इसलिए स्वास्थ्य बिगड़ा। आज से लौकी सस्ती होती है कि नहीं? जब सस्ती हो तब ना खूब जूस पिया करो, बच्चों को जूस पिलाओ, ये बच्चों को लौकी का जूस पिलाओ, बच्चों को गाजर का जूस पिलाओ, और गाजर का हलवा कम बनाओ, कच्ची गाजर खवाओ, कच्ची लौकी खाओ। आप तो लौकी का भी हलवा बना लेती है मैया, सबका हलवा। हाँ, तो आज से कितने लोग जूस पियेंगे? लौकी का, सब्जियों का जूस निकालो, सब्जियों का जूस पियो। सबसे बढ़िया जूस होता है बताओ किसका? गाजर। हाँ गाजर भी अच्छी, लौकी। एक और बता दो, करेला तो बहुत बेस्ट है, यदि आप पी सको तो नाक में ऐसे रखो पी लो। और बताऊं एक चीज, कद्दू आता है, कद्दू पेठे वाला, पेठे वाला कद्दू आता है, समझ रहे हो, भूरा कुम्हड़ा, उस कद्दू वाले, वो पेठे वाले कद्दू का जूस जितने शरीर में हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं, गलत बैक्टीरिया होते हैं, गंदगी होती है, सारी निकाल बाहर करता है कद्दू का जूस, पेठा कद्दू।
हफ्ते में दो दिन कद्दू का जूस पियो, हफ्ते में दो दिन गाजर का जूस पियो, हफ्ते में दो दिन लौकी का जूस पियो, हफ्ते में एक दिन करेले का जूस पियो, और रोज अभी सीजन चल रहा है आंवले का, चार आंवले का जूस निकाल के चार चम्मच रोज पियो, बच्चों को पिलाओ, फिर बीमार हो जाए ना तो बताना। सवेरे नाश्ते में जूस रस, बच्चों को एक गिलास जूस पिला के भेजा करो स्कूल, लौकी का इत्यादि जो मैंने नाम बताए बार बार नहीं बताऊं, पिलाओगे मैया और आप भी पिया करो। और ये सब सस्ती चीजें बता रहा हूं मैं, कोई महंगा नहीं है। क्यों जी महंगा है बताओ? और आप लोग पानी भी अच्छा कर सकते हो अपने घर में, जो आप पानी भरते हो ना मटके में या स्टील के बर्तन में, उस पानी में ना ये तुलसी के पत्ते धो करके साफ करके 10 पत्ते पानी में डाल दो, थोड़ी से 4-6 नीम के पत्ते ले आओ, नीम के धो के नीम के पत्ते डाल दो, थोड़ा अदरक डाल दो, अदरक थोड़ा, इलायची डाल दो, थोड़ा काली मिर्च डाल दो, थोड़ा लौंग डाल दो, केसर है तो 4 केसर की पत्तियां डाल दो, वो पानी रात में सब डाल दो, और रात भर में इन सब का रस उस पानी में उतर आएगा, और पानी जब पियो तो 4 बार फेंट लो पानी को, लोटा और गिलास लिया करो। पहले के लोग, आपने ध्यान दिया हो, जो भी लोग भोजन करने बैठते थे तो लोटा गिलास में पानी दिया जाता था, पहले लोटा और गिलास दोनों रखा जाता था। अब देखो आप लोग इतने एडवांस हो गए कि पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई। पहले कोई मेहमान भी भोजन करता था ना तो लोटे में पानी और गिलास में पानी रखा जाता था, कोई मेहमान आता था तो, आजकल तो ट्रे में गिलासें ले जाई जाती हैं, ऐसी नहीं, पहले लोटा लेके जाया जाता या जग और गिलास, और सामने वाला पी और दे दे। इससे क्या होगा, लोटा और गिलास आप भी रखा करो, और पानी पीने के पहले पहले लोटे से गिलास में और गिलास से लोटे में 4 बार पानी ऐसे ऐसे करो। इससे क्या होगा, इससे पानी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। देखिए विज्ञान साइंस देखिए, पानी को जब आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो आपने देखा होगा पानी में बुलबुले उठते हैं, वो पानी बुलबुले क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, वो बुलबुले मतलब ऑक्सीजन की मात्रा पानी में बढ़ गई, और ऑक्सीजन युक्त पानी आपको स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाएगा। सामान्य जो पानी रखा है, स्थिर पानी नुकसानदायक होता है, चलता पानी फायदा करता है, इसलिए पानी को थोड़ा चलाओ। रात को नीम तुलसी काली मिर्च अदरक पानी में डाल दो, छान लो, उस पानी को दिन भर पीते रहो, स्वाद बढ़ जाएगा पानी का, और सारी जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, थोड़ा दालचीनी डाल दो, थोड़ा और भी सारी चीजें आप प्रयोग कर लो, कोई बुराई नहीं है, और पानी को 4 बार फेंट कर पीना, फिर बताना कि आपको गैस की प्रॉब्लम है कि नहीं। आप लोग क्या करते हैं, बंद बोतल, 1 महीने से बोतल रखी थी और आपने पी लिया, उसमें ऑक्सीजन था, वो पानी मरा हुआ पानी था जो आपने पी लिया, सवेरे का पानी रखा शाम को, अरे भैया पानी में जान आ जाएगी, 4 बार फेंटा मार लो ऐसे ऐसे। पहले के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे पर बहुत वैज्ञानिक जीवन जीते थे, आजकल आप जितने विज्ञान को पढ़ते जा रहे हैं उतने गोबर गणेश होते चले जा रहे हैं। मैं आपको वो सारी वैज्ञानिक पद्धति बता रहा हूं जो भारत में थी, और पूरी वैज्ञानिक पद्धति थी। क्यों जी, पहले लोटा गिलास में पानी मिलता था कि नहीं, सबके घर में लोटा होता था, गिलास होती थी, गिलास बड़ी बड़ी गिलास में ज्यादा पानी ऊपर से डालो तो धार बनेगी, और पानी में उसके कण कण टूटेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो आज से कितने लोग अपना खान पान ठीक करेंगे पहले मुझे बताओ। आप दाल कितनी खाती हो रोज? 1 कटोरी। और रोटी? 4-3। आपको उल्टा करना है, अब रोटी खानी है 1 और दाल पीनी है 3 कटोरी।
दाल ज्यादा हेल्दी है कि रोटी? उत्तर, तो आप लोग दाल एक कटोरी और रोटी चार चार रोटा। माताएं तो अपने लिए आखिरी में रोटा बना लेती हैं, चलो सारा आटा बचा एक बनाओ, और रोटी नहीं खाती रोटा खाती हैं, इतना मोटा। और दाल तो आखिरी में कुछ बचती नहीं तो रोटी खा लेती, इसलिए देखो सबके शरीर फूले पड़े हैं रोटा की तरह। थोड़ा ज्यादा दाल बनाया करो, आज से दाल की मात्रा ज्यादा रखो और दालें बदल बदल के बनाओ। आज ये दाल तो कल वो दाल, तो परसों ये दाल तो नरसों वो दाल। और दाल कुकर में कम बनाओ, डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश और हवा नेचुरल लगे। कुकर में दाल पकती नहीं है, बेचारी मर जाती है, इतना प्रेशर होता है, वो सीटी मार मार के मार डालता है दाल को। हाँ, दाल को आराम से पकने दो चूल्हे पर, मस्त। दाल आपने जब ध्यान दिया हो बनाते हैं ना, तो दाल में कचरा निकलता है। पहले के लोग कचरे को करछली से उससे निकालते थे, अब कुकर में वो कचरा सब मिल जाता है, वो कचरा नुकसान था। दाल में भी वो जहर होता है, कौन सा, जो दाल पकाने रखो तो ऊपर वो ऊपर छोड़ देता है ना, वो कचरा ऊपर आ जाता है, फैन फैन निकलता उसके साथ, वो कचरा निकलना चाहिए। वो नेचुरल प्राकृतिक पुरानी परंपरा ऐसे ही थी कि माताएं बनाती थी तो वो कचरा निकालती चलती थी। आजकल कुकर में कुछ नहीं, थोड़ा खान, अरे भैया कमा रहे हो किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। अब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शरीर ही बढ़िया नहीं है, और पैसा खूब है तो क्या करोगे। तो जागरूक भारतीय वो हैं जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। मैं लंदन गया, वहां मैंने एक चीज बढ़िया देखी कि वहां सबके घर में चार चक्के की गाड़ी है, लेकिन सबके घर में एक एक साइकिल भी मैंने देखी। करोड़पति हो या अरबपति हो, वो दूर जाएगा तो कार से जाएगा, और पास जाएगा मतलब दो चार किलोमीटर तो वो साइकिल से जाएगा। क्यों? क्यों किसी बहाने, सबसे बड़ा योग है साइकिल, साइकिल चलाने वाले का ना स्वास्थ्य अनुकूल हो। और आजकल आप लोग ना इतने आलसी कि 10 कदम भी जाना हो तो आप छोटी गाड़ी से जाते हो, दो चक्के की गाड़ी से। वहां पर दो चक्के की गाड़ी है ही नहीं पूरे देश में, सोचिए कम मात्रा, मतलब 1% 99% कोई गाड़ी नहीं है वहां। फोर व्हीलर है, सबके घर चार चक्के की गाड़ी है, महंगी महंगी बड़ी बड़ी, लेकिन वहां दो चक्के की गाड़ी नहीं है कहीं। वहां के लोग बड़ी गाड़ी ले लेते हैं चार चक्के की दूर के लिए, और छोटी यात्रा वो साइकिल से करते हैं। पति पत्नी दोनों साइकिल से चलेंगे, दोनों साइकिल में, दोनों अलग अलग, इसी बहाने वहां के लोग स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखते हैं। अब साइकिल है मतलब स्वास्थ्य का ध्यान है, और आप लोगों के पास तो बूढ़े भी साइकिल नहीं चलाते आजकल, वो भी एक्टिवा से जाते हैं। और फिर वो एक्टिवा से जाते किसके यहाँ, डॉक्टर के यहाँ। इतने आलसी हो गए हो, यही तुम्हारी बीमारी का कारण है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री सुखदेव। भगवान कहते हैं राजन ज्यादा हाय हाय नहीं, भगवान में मन लगाओ। जब भगवान नारायण सृष्टि का क्रम सुनाया, भगवान को प्रणाम किया सुखदेव भगवान ने, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी को अभिमान ना आए इसलिए भगवान ने चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यद प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जब कुछ नहीं था तब मैं था, ऐसा भगवान ने कहा और भगवान की करुणा का वर्णन किया। जब ब्रह्मा जी को अभिमान आए तो चतुश्लोकी भागवत सुनाई। एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन से कहा पांच गांव दो, मना कर दिया। फिर भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्यागे और विदुरानी के घर जाकर भगवान ने किसका भोग लगाया था? छिलकों का। क्या खाए भगवान? छिलके, केले के छिलके। भगवान तो भाव के भूखे, विदुरानी के छिलकों का पर कृपा की, विदुरानी और विदुर जी पर कृपा की। ये वही विदुर विदुरानी है जो दुर्योधन की हरकत के कारण दुर्योधन को त्याग करके जंगल में कुटिया बना के रहते थे। बोले हम तेरी राजसी सुविधाएं ना लेंगे, हमें कोई दौलत ना चाहिए, दौलत लेकर हम गलत नहीं कर सकते, इसलिए घास की कुटिया पर रहना पसंद किया विदुर और विदुरानी जी ने। और विदुर जी ने भगवान को प्राप्त किया। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं कि जब उद्धव जी मिले, कहा कि चले गए तो रोए, कहा सुनाओ अंतिम ज्ञान, कहा मैत्रेय जी सुनाएंगे। मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से जाकर के कहा, हे गुरुदेव, भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? अच्छा बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, ए बीरबल, तेरा भगवान अवतार क्यों लेता है? मेरा अल्लाह तो अवतार नहीं लेता, वो तो अपने फरिश्तों को भेज देता है। क्या तेरे भगवान के पास कोई उनका ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जाकर उनका सारा कार्य कर सके? क्या उनके पास कोई ऐसा वजनदार व्यक्ति नहीं था जो रावण को मार सके? तुम्हारे भगवान को खुद क्यों आना पड़ता है? हमारे यहां तो अल्लाह खुद नहीं आते, वो भेजते रहते हैं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को, तो तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं? तो बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न को समझ गया लेकिन उत्तर दूंगा, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। अकबर बोला, ठीक है, कितना समय? बोले 15 दिन। ठीक है, 16वें दिन उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, लो भैया बात समाप्त हो गई। एक दिन राजा ने कहा, अकबर ने, आज मुझे यमुना जी में जल विहार करने का मन हो रहा है, जल विहार। अब अकबर का मन है, राजा का मन है, तो सबने नाव सजाई, नाव पर सारी व्यवस्थाएं लाई गई, बड़ी नाव तैयार की गई। राजा के मंत्री संत्री भी वहां उस नाव में उपस्थित हुए और सुरक्षा कर्मी भी वहां पर तैनात थे, और भी 4-6 नाव अगल बगल में भी चल रही थी जो राजा की सुरक्षा पर काम करे। राजा नाव पर बैठ गए, सामने बीरबल बैठे हैं, राजा के और भी कुछ सुरक्षा कर्मी बगल में खड़े हैं। नाव जब बीच में पहुंची नदी में तो बीरबल ने कहा, महाराज आपका बेटा भी आया है नाव में। कहां है? बोले पर्दे के उस तरफ, बड़ी नाव थी, बोले वहां बैठा। लाओ, बीरबल ने उठाया बेटे को और बीच नदी में फेंक दिया बीरबल ने। राजा ने कहा, क्या किया तुमने मेरे बेटे को? पानी में गिरा दिया, उसे तैरना नहीं आता, डूब जाएगा। अकबर खुद कूद गया नदी में, अकबर। और जब अकबर कूदा और बच्चे को पकड़ के लाया तो बच्चा असली नहीं था, मोम का बना हुआ नकली था। राजा बोले, बीरबल ये क्या मजाक था? तुमने मेरे बच्चे का कह करके पानी में फेंका, वो तो नकली था, तुमने बताया क्यों नहीं कि वो नकली था? बीरबल ने कहा, महाराज जो आपने प्रश्न पूछा था ये उस प्रश्न का उत्तर था। क्या उत्तर था ये? बीरबल ने समझाया, महाराज जब आपका बेटा पानी में गिरा तो मैं आपका मंत्री, आपके सुरक्षा कर्मी अगल बगल खड़े, आपने किसी से कहा क्यों नहीं कि जाओ मेरे बेटे को तुम बचाओ? राजा बोला, यदि मैं किसी से कहता और कोई देर कर देता तो इतने में तो मेरे बच्चे की जान चली जाती, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था, मैं खुद कूद पड़ा। बीरबल ने कहा, महाराज
जैसे आपको किसी पर विश्वास, जब बेटे पर संकट आया तो आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, उसी तरह जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, खुद जाते हैं। जैसे आप खुद गए अपने बच्चे को बचाने, ऐसे भक्तों पर संकट आता है तो भगवान खुद अवतार लेकर के आते हैं, कभी राम और कभी कृष्ण और कभी नरसिंह बनते हैं, इसलिए भगवान का अवतार होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, फिर इंद्रियों की, मन की, फिर मनुष्यों की। ब्रह्मा जी ने पुत्र उत्पन्न किए, 10 सनकादियों को प्रकट किया, शिव जी को प्रकट किया, भ्रकुटी से जाओ सृष्टि करो, पर ब्रह्मा जी किसी के कार्य से संतुष्ट नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा जाओ कैलाश में रहो, सनकादियों ने कहा कि हमें 5 वर्ष का बच्चा ही रहने दो, वो 5 वर्ष के ही रहे सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये हैं सबके बापों के भी बाप रहते हैं 5 साल के सनकादि। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। बोले जाओ सृष्टि करो, बोले पृथ्वी तो हिरण्याक्ष लेकर चला गया, तब नाक से 12 भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की 12 भगवान ने, बोलिए 12 भगवान की जय। और मनु शत्रुपा ने फिर सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के, इन 5 से पूरा संसार भर गया। फिर आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति मां का विवाह करदम जी से हुआ, करदम जी जो कि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवत चिंतन में डूबे, करदम जी का जब विवाह हुआ तो करदम जी ने शादी होते, विवाह होते ही ध्यान में ऐसे चले गए कि पत्नी 40 साल तक बैठी रही, अर्थात वो अपना नित्य कर्म करती रही 40 साल। वह जब बाबा जी की समाधि खुली तो देखी एक बूढ़ी स्त्री बैठी, देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम देवहूति है और मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। करदम जी को याद आया कि तुमने तो बड़ा कष्ट पाया, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से एक विमान का आविष्कार किया, कामक विमान उसका नाम पड़ा। उस विमान पर करदम जी ने एक सरोवर में स्नान किया, दोनों युवा हो गए और उन्होंने भ्रमण किया तो करदम जी की 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से किया। ये सृष्टि की शुरुआत है। अभी कला का विवाह मरीचि से किया। आप लोगों में कुछ लोगों का गोत्र है मरीचि, मतलब आप मरीचि ऋषि की संतान है। मरीचि जी की पत्नी कला, कला करदम जी की बेटी। दूसरी बेटी हुई करदम जी की अनुसुईया, नाम सुना होगा। अनुसुईया जी का विवाह महर्षि अत्रि से हुआ, अत्रि जिनके पुत्र हुए बाद में दत्तात्रेय जी। अनुसुईया वही जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए थे तो तीनों को बच्चा बना दिया था, ये वही अनुसुईया है। आप में से कुछ लोगों का गोत्र अत्रि है तो आप अत्रि ऋषि की संतान है। श्रद्धा माँ का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ। कुछ अंगिरा गोत्रीय होते हैं, किसी किसी का गोत्र क्या होता है अंगिरा, तो आप अंगिरा ऋषि की संतान है। अंगिरा ऋषि का विवाह माता श्रद्धा से हुआ जो करदम और देवहूति की बेटी है। ये 9 बेटियां हैं करदम जी की। हविर्भू पुलस्त, किसी का पुलस्त गोत्र है तो पुलस्त ऋषि की संतान है, जिनका विवाह हविर्भू मां से हुआ। गति का विवाह पुलह, पुलह गोत्रीय
पुलह ऋषि की संतान। क्रतु, क्रतु जी का विवाह क्रिया से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु से हुआ, और वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम आप बताओ, सबको पता है वशिष्ठ जी कौन है, किसके गुरु हैं वशिष्ठ जी? मैया सो रही हो क्या? जल्दी बताओ वशिष्ठ जी किनके गुरु हैं? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली, नहीं पता? आप बताओ किनके गुरु हैं वशिष्ठ जी, किनके गुरु हैं आप बताओ? बेटा बताओ, राम जी के, राम जी की गुरु माता का नाम क्या है? वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम क्या नाम है? क्या नाम है भैया? अरुंधति। माता अरुंधति। अथर्वा ऋषि का विवाह शांति से हुआ, ये करदम जी की 9 बेटियां विवाह हो गईं। करदम जी बोले पत्नी से, अब मैं चलूं, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। माता देवहूति ने कहा एक पुत्र चाहिए। करदम जी के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की, देवहूति और करदम जी के द्वारा कपिल भगवान। तब करदम जी पत्नी से बोले, अब बेटा हो गया, बेटियां घर चली गई अपने अपने, अब मैं गृहस्थ के ऋण से उऋण हो गया। गृहस्थ आश्रम तब पूरा हो जाता है जब आपकी बेटी का विवाह हो गया, जब आपके बेटे का विवाह हो गया, तो आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी खत्म। इसलिए अब ज्यादा मन परिवार से, गृहस्थ से हटाकर ज्यादा मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, यही जीवन की सार्थकता है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि बेटा बेटी का विवाह होने के बाद भी आप पोता पोती में, फिर पोता पोती का विवाह होने पर उनके बच्चों में, हे भगवान कितनी उलझन पालते हैं आप लोग। 2-3 पीढ़ियों में मन लगाते हैं आप लोग, इतना भी क्या मन लगाना। आपकी गृहस्थी पूरी हो गई, बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब उन्हें जिम्मेदारी दो, कमाएं खाएं, और आप अब दोनों पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी भजन में लगो भगवान के। ये सार्थकता है जीवन की। अब आप लोग ना मरते मरते भी कमाओ कमाओ, पैसा कमाना। अब देखो पैसा तो यहीं रह जाएगा, जो जाना है संग वो कमाओ। बताओ कौन सा धन साथ में जाएगा? दादाजी बताओ कौन सा पैसा कहाँ साथ जाता है? कोई सा नहीं। एक राजा था, उस राजा को किसी ने बताया कि तू इतना बड़ा राजा है, इतना पैसे वाला, पर तेरा सारा पैसा यहीं रह जाएगा। राजा टेंशन में आ गया कि हे भगवान मैं इतना कमाता हूं, इतना बड़ा हूं, वो सारा पैसा यहीं रह जाएगा तो मजा क्या। उसने घोषणा करवाई, भाई कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जब मैं मरूं तो सारा पैसा मैं लेकर जाऊं, ऐसी कोई व्यवस्था कराओ। सारे अपने क्षेत्र के ऋषि मुनि साधु संतों से राजा ने पूछा कि महाराज यदि आप कोई उपाय बताओगे तो बहुत पैसा मिलेगा आपको, ऐसी कोई व्यवस्था कराओ कि जब मैं मरूं तो ये सारा धन मेरे संग जाए। बताओ ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है आप लोगों की, हाँ या ना? मैया ओ मेरी माँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि जब मरे तो सारा पैसा अपने संग चले? जोर से भैया, हो सकता है? मैया ओ मैया, दादाजी ओ दादाजी, कुर्ता धोती पहने कहाँ जा रहे हो? अच्छा बताओ ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि जब अपन लोग मरे तो साथ में सारा पैसा जाए, सोना चांदी सब जाए? हो सकता है, हाँ या ना? जोर से हाँ, हो सकता है। आप लोगों को पता नहीं है, कहो तो मैं व्यवस्था बनवा दूं। हो सकता है, राजा ने बोला हो सकता है क्या? सबने मना की आप लोगों की तरह, पर एक संत आए, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ महाराज बताओ। तब संत ने उस राजा को समझाया, राजन देख
एक बात बताओ, ये जो पैसा है, ये जो भारत का पैसा है, बताओ क्या अमेरिका में चलता है? चलता है नहीं? तो वहां पर क्या चलता है? डॉलर चलता है। संत जी बोले राजा से कि यदि आप भारत के बाहर जाओगे तो वहां का ही पैसा लेना पड़ेगा। कहां का पैसा? आप लोग अमेरिका जाओगे तो अमेरिका का पैसा लेना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अमेरिका का पैसा मिलेगा कैसे? जोर से, इसी पैसे से मिलेगा। आप ये वाला पैसा जमा करो, भारत का पैसा जमा करो बैंक में, तो वहां का डॉलर मिल जाएगा वहां के हिसाब से। इस पैसे को जमा करके वहां पर वो पैसा मिल जाएगा जो पैसा वहां पर चलता है। उसी तरह राजन, जब आपके देश का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता तो यहां इस धरती का पैसा उस परमात्मा के धाम में कैसे चलेगा? तो जैसे आपने दूसरे देश में पैसा लेने के लिए पहले अपने पैसे को जमा किया तो वहां पर मिल गया। राजन, आपकी जितनी संपत्ति आप ले जाना चाहते हैं वो सारी संपत्ति समाज की सेवा में लगा दीजिए। जो यहां देंगे, यहां दिया हुआ वहां बिल्कुल मिलेगा आपको। समाज की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, परोपकार में आप जितना यहां लगा देंगे वो आपको वहां मिलेगा, क्योंकि वहां पुण्य की करेंसी चलती है। वहां पुण्य का पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, वहां राम नाम का धन चलता है, पुण्य का धन चलता है वहां। ये कागज के टुकड़े से आप यहां, आप इस पैसे से यहां किसी को भोजन करा दो, किसी को यहां कपड़े दे दो, किसी को यहां मदद कर दो, तो आपको ये पुण्य वहां मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आपने यहां किया है। इसलिए राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी सारी दौलत लेकर जाऊं, तो आप एक काम करो कि अपनी सारी दौलत समाज की सेवा में लगाओ, अपने राष्ट्र की सेवा में लगाओ, तो जो आप परोपकार करेंगे वो आपके। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है बताओ जरा? तो आप लोग कहते हैं कि कोई मरेगा तो लेकर नहीं जाएगा। नहीं, लेके जाने की भी व्यवस्था है। देखो, हमने आपकी व्यवस्था बनवा दी कि नहीं? इसलिए तो कहते हैं, इसलिए दानवीर कर्ण भी दान करते थे। वो उन्हें पता था कि यहां का तो यहीं रह जाएगा, जो दे दिया वो संग जाएगा। इसलिए मेरी मां, ईश्वर ने यदि देने लायक बनाया है तो जी खोल के दिया करो। इसलिए गृहस्थों के लिए कहा कि कमाई का 10% 5% परोपकार के लिए निकालो, लेकिन आप जो कमाते सारा बच्चों को दे देते। मेरा बेटा, बेटा ये जमीन, ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी, ये सब तू रख ले। अरे बच्चों को टैलेंट दो, योग्यता दो, काबिल बना दो। वो काबिल बन जाएंगे तो पैसे खुद से कमा लेंगे, आपको कमा कमा के रखने की क्या जरूरत है? क्यों मैया? सही है? आप बच्चों को योग्य बनाओ, और आपने जो कमाया है वो कमाई का कुछ परसेंट आप भी कुछ पुण्य करके ही मरना। कुछ लोग ऐसे ही मर जाते हैं, खाली खाली मर गए। अरे कुछ अच्छे काम करके मरो, मरना तो सबको ही है, कौन नहीं मरेगा? पुण्य करके मरो, अन्न दान कर लो, अच्छे काम कर लो, फिर मरो आराम से। आप लोग कुछ करते ही नहीं और मर जाते हैं। फिर बेटा, आप लोग मर जाएंगे ना तो छोटा बेटा कहेगा बड़े भाई से, सुनो तुम तेरी ही कर लो पिताजी की। बड़ा कहता है छोटे से तुम कर लो, छोटा कहता है तुम कर लो, दोनों बेचारे परेशान हैं। इसलिए हम तो कहते हैं मरने के पहले ही अपनी तेरी ही इत्यादि करके मरो आराम से।
तेरहवीं इत्यादि। अरे तेरा ब्राह्मण ही तो खवाने हैं, तो मरने के बाद बच्चा खवाएगा तो खवाएगा, तुम जीते जी क्यों नहीं खवा के जाते हो 150 ब्राह्मणों को, समाज को, जरूरतमंदों को क्यों नहीं खवाते? और मरने पर ही बैठे हो, मरेंगे तब तेरा खाएंगे। लो इतने भी क्या कंजूस होना। हम तो कहते हैं तेरहवीं करके मरो आराम से, तेरहवीं कर लो, बरसी कर लो, हमने तो अपनी सब कर ली, अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने नहीं की अपनी तेरी इत्यादि? नहीं, हमने तो अपनी कर ली, हम तो एकदम रेडी हैं, भगवान बोलेंगे चलो तो चलो, सब कर लिया जो करना। इस मनुष्य जीवन में जो करना चाहिए वो ये दास अनिरुद्ध ने सब कुछ कर लिया, जो मेरी बुद्धि थी, जितना अक्कल दी ईश्वर ने उतना, सारे अच्छे कार्य मैंने जो मेरे से बने, जितनी मेरी अक्कल दौड़ी, जितनी मेरी बुद्धि चली, उतना मैंने अच्छे से अच्छा किया। अब मैं रेडी हूं चलने के लिए, आप लोग रेडी हैं क्या? नहीं न जाओगी मैया? तो तैयारी कर लो। आप लोग वृंदावन आए हैं ना, इतने सारे तो आप लोग लड्डू लेकर आए हैं, गुजिया लेकर आए हैं, ये लेके आए हैं, वो ऐसे लाए हैं जैसे यहां खाने ही ना मिले, इतना भर भर के लाए हैं आप, और आप इतना लाए हैं कि जाते समय भी बचेगा। सोचो कि 7 दिन के लिए आए हो आप, तो इतना लाए हो बांध कर, तो जहां हमेशा के लिए जाना है वहां कितना ले जाओगे रे बाबा बांध कर? कुछ तो ले जाओ वहां भी। वहां पर लड्डू नहीं ले जा सकते, पर यहां किसी को लड्डू खिला दोगे तो वहां लड्डू मिलेगा, यहां किसी को रोटी खिला दोगे तो वहां रोटी मिलेगी, यहां किसी को कपड़े पहना दोगे तो वहां कपड़े मिलेंगे। इसलिए भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो बेटा बेटा नहीं, अब बेटों को जितना देना है दे दो, कुछ अपने लिए बचा के रखो, वो सारा बच्चों को मत दे देना, अपने हाथ से पुण्य कर लो। बेटे को सब दे दोगे, बाद में कहोगे बेटा जरा गऊदान करना है, जरा दे दे पैसे, तो बेटा बोलेगा इतना पैसा? बेटों को देने के बाद आप वापस मांगोगे तो बच्चे आंख दिखाएंगे, इतना खर्चा करते हैं हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारी दादी ना। अरे अपने हाथ से दान पुण्य करो। एक मैया मेरे पास आई, उन्होंने कहा महाराज मैं एक वृद्ध माँ को गोद लेना चाहती हूँ कि सारी जिंदगी मेरे नाम की वो रोटी खाती रहे तो मुझे पुण्य मिलेगा। बेचारी कमा कमा के उसने इकट्ठा किया और 21,000 रुपए एक मां को गोद लेने के लिए मैया ने दिया, चुपके से दिया। तो बेटा भी आया था तो वीडियो बना ली बेटे ने, और मां जब घर गई तो बेटे ने इतना परेशान किया कि तुमने 21,000 दे दिया, क्या जरूरत थी दान करने की? इतना टॉर्चर किया उस बेटे ने, बेचारी मां को इतना सताया वो 21,000 के चक्कर में कि तूने क्यों दान कर दिया, क्यों दे दिया। इतना सताया, इतना टॉर्चर किया कि मैया को उसने मजबूर किया कि जा लेकर के आ। दूसरे दिन मैया आई, महाराज वो पैसे जो कल दिए थे वो बेटा मना करता है। इस बेटे को मैंने अभी 4 महीने पहले 3.5 एकड़ जमीन दी, कुछ जमीन थी मेरे नाम पर, मैंने इसके नाम पर कर दी कि एक ही तो बेटा है, दे दी, और अब ये मुझे कुछ पुण्य का कार्य नहीं करने देता। 21,000 दिया है तो जीने नहीं देता, कहता लेकर आ। मैंने कहा मां ये लेकर जाओ, आपने भाव बनाया देने का तो आपको पुण्य मिल जाएगा, बेटा नहीं देने देता, ले जाओ लो। मैंने वापस किया मां की। कुल मिलाकर ये मैंने देखा है जीवन में कि आप यदि बच्चों के आश्रित हो गए तो फिर बच्चे आपको, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराते हैं, माँ को दान पुण्य करवाते हैं माँ के हाथ से, और कुछ ऐसे हैं कि दान करने लग जाए तो हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप जीते जी अपने जब तक पांव पर खड़े हैं, अपनी कमाई का भले 1 रुपए, भले 1 मुट्ठी आटा हो,
भले एक मुट्ठी नमक हो, अपने जीते जी अपने हाथ से करो, अपनी कमाई से करके जाओ। बेटा जो करेगा आपके लिए वो उसका फर्ज है, करेगा वो भी प्लस होगा, पर आप अपने लिए क्या कर रहे हैं ये तो बताओ। ज्यादा बेटा बेटा बेटी बेटी के चक्कर में नहीं, बेटा बेटी से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटों का धर्म है कि वो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराएं, माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराएं, और माँ बाप का ना रहने पर गया श्राद्ध करें, भागवत जी का पाठ करवाएं। पर कुछ बच्चे तो कहते हैं जी हम तो गया वया मानते ही नहीं। आजकल के बच्चे तो ये कहकर बच जाते हैं जी हम तो बिलीव ही नहीं करते, मानते ही नहीं सब। मान मेरा कहना, इसलिए आप तो अपना खुद सारा काम करके चलो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कहना नहीं तो पछताएगा, हाँ मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, हाँ मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए, ओ मिट्टी का खिलौना में मिल जाए। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, हाँ बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, हाँ बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए, हाँ मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी।
मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, कौन मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, कोई काम ना आएगा साहब। पड़ोसी 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 क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के जला के जला के चलाएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, हाँ मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, आज ही मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंबिक कबीला, मर विपदा पड़े पर कोई न किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना मैया, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, बेटा बेटा क्या करता है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, उनके लिए जो आप कर सकते हैं उन्हें दुकान फैक्ट्री जो आप दे सकें, जो आप चाहें बनाओ बच्चों को दो, पर जीवन का 10% पुण्य में जरूर खर्च करना। बेटा बेटा ज्यादा बेटा आपका कितना भी अच्छा हो पर मन बेटे में मत लगाना, क्या फायदा, भगवान में लगाए। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक ना एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, और ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो बेटी बेटी करने वालों, ना बेटा ही काम आता है ना बेटी, सबकी जिम्मेदारी पूरी करके पूर्ण रूप से मन भगवान में लगाओ और कहो आप क्या कहते हैं, ये बेटी मेरी है ये बेटा मेरा है। और एक ये है
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बताओ दोनों में क्या सही है? ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है, दुकान मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, या फिर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। क्या सही है बोल के बताओ? लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? ये बेटा बेटी है, ये गाड़ी बंगला है। आप लोग क्या ये सब? इसलिए बेटा बेटी अच्छा है, भगवान करे हो आपके यहां और खुश हो, लेकिन आप सबसे मन हटाकर अब भगवान में लग, अब नहीं लगाओगे तो बताओ कब लगाओगे फिर? अब तो कह दो गोविंद से, हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि सब कुछ निकल जाए मेरे भीतर से, सबकी यादें समाप्त हो जाए, ना बेटे की याद रह जाए, ना पत्नी की, ना परिवार की, अब तो एक ही याद रहे, बस भगवान की यादों में खोया रहूं, गोविंद की यादों में रोता रहूं, हंसूं तो उनके लिए, रोऊं तो उनके लिए, अब तो पागल हो जाना अच्छा है। किसकी तरह पागल हो जाओ, सूरदास जी की तरह, रैदास जी की तरह, मीराबाई की तरह, भगवान के ध्यान में डूब जाओ, कोई पता नहीं संसार का कि क्या है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। करदम जी चले गए और माता देवहूति को भगवान कपिल देव जी ने उपदेश किया। मां ने कहा, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं? आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका मन वश में नहीं है। यही प्रश्न माता देवहूति ने भगवान कपिल देव जी से कहा कि मेरा मन वश में नहीं है, मैं क्या करूं? कपिल देव जी ने कहा, मां मन को वश में करने के लिए तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। संतों की संगति करो मां। देखो आप अपने मन को कहते हैं, महाराज जी मेरा मन वश में नहीं है। देखो मन किसी का वश में नहीं होता। आप क्या कहते हैं, महाराज जी मेरा मन नहीं लगता ना पढ़ाई में, ना पूजा में, ना काम, ना धाम, कुछ में मन नहीं लगता। मन लगता नहीं है साहब, मन को मेरी मां लगाना पड़ता है। मन आपका है तो कंट्रोल कौन करेगा? गाड़ी आप चला रहे हैं और आपका भाई गाड़ी में बगल में बैठा है, तो जब गाड़ी सामने कोई दिक्कत रहेगी तो ब्रेक आप ही दबाओगे कि आपका भाई दबाएगा? जो गाड़ी चलाएगा वही ना ब्रेक भी दबाएगा। तो मन आपका भटकेगा, आपका नहीं लगेगा, तो उसे ठीक भी तो आप ही करेंगे। मन नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है, मन लगाओ मेरी मां बहन भाई। मन क्यों नहीं लगता? मन को इतना आजाद ना छोड़ो कि मन जहां चाहे वहां जाए, मन को थोड़ा कंट्रोल में रखो। अच्छा ये बताओ, मन की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? जोर से, मन की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, माननी चाहिए, आप बताइए। माननी चाहिए, आप बताइए। माननी चाहिए, नहीं आप बताइए। माननी चाहिए, हाँ या ना में उत्तर दो। नहीं, आप बताओ। मैया, ओ मैया, मन की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? पीछे वाली मैया बताएंगी, माननी चाहिए या नहीं? जोर से, हाँ। पीछे वाले बड़े सत्संगी लोग हैं, सही उत्तर देते हैं हमेशा हर प्रश्न का। ये आगे वाले पता नहीं क्यों गलत उत्तर देते हैं। सत्संग करो बेटा, अभी जोर से करो सत्संग, मन लगाओ। आप लोग क्या कह रहे हैं, मन की बात माननी चाहिए? तो सुनो, रावण ने मन की बात मान ली। रावण के मन ने कहा सीता को उठा लो, बत मान ली।
दुर्योधन के मन ने कहा द्रौपदी के कपड़े उतरवाओ। मन मान ली मन की बात, आपको सुगर है, माना कि फॉर एग्जाम्पल सुगर, और मन करता है थोड़ा रसगुल्ला खा लें, थोड़ा रबड़ी खा लें। बीमार आदमी जो होता है ना, जैसे सुगर होती है, उसका मन करता है रबड़ी खाएं, रसगुल्ला खाएं, गुलाब जामुन खाएं, ये खाएं। यदि उसने बात मन की मान ली और रबड़ी खा गया तो मर जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। मन बोलता है चलो पड़ोसन को देखें तो देखोगे क्यों जी? फिर ये तुम्हारा मन तो हमेशा गलत ही कराता है तुमसे, सबका मन गलत जगह पर जाता है, और आप यदि मन की बात मान गए तो मन आपको गलत बना देगा। रावण के मन ने ही तो रावण को गलत बना दिया। मन हुआ कि चलो देख लें सीता को, उठा लें, कर लिया भैया उठा लिया लो। इसलिए मन की बात ना मानो, मन की वो बात मानो जो सही है, जो गलत है वो बिल्कुल नहीं, वरना नाश कर देगा ये मन। जितनों का नाश हुआ है उनके नाश में उनके मन का योगदान है, हाँ या ना? क्यों जी सही है? आपको शुगर है और आपने खा ली रबड़ी, तो मन की बात मान के तो मरवा देगा कि नहीं? बोलो हाँ। तो ये मन की बातें आप लोग मानते हो इसलिए दुखी हो। मन ने किया, मन ने कहा चलो से देखें, देखने लग गए। मन ने कहा ये करो ये करने, मन ने कहा चलो मुन्नी बदनाम सुन लेते, मुन्नी बदनाम हुई। हाँ, शीला की जवानी, मन तो ही कह रहा है कि चलो शीला की जवानी। गांव गांव में नाचने वाली आया करती थी पहले, नचनिया छत्तीसगढ़ में आती थी कि नहीं? तो बूढ़ों का मन नहीं मानता था, चलो देखे आवे। अब लाठी ले लेके जा रहे हैं बूढ़े, बैलगाड़ी पे जा रहे हैं बूढ़े, नाच देखने जा रहे हैं नचनिया का। इनके मन नहीं तो इनको दौड़ाया है, बोलो हाँ या ना? क्यों, छत्तीसगढ़ में नाचने वाली होती थी ना पहले, गांव गांव में नाचने वाली, पूरी रात नाचती थी, और ये बुढ़े लोग पूरी रात देखते थे ऐसी टुकुर टुकुर। ये बुढ़ापे में काहे गए हैं ये देखने? मन के कारण। मन कहता चलो घर में पड़े हैं तो करवट बदल रहे, मन नहीं लग रहा, चलो देखे आए देखे आए। ये मन क्या क्या ना करता, क्या क्या ना कराता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन ही है, यदि गलत जगह मन लगाओगे तो सर्वनाश कर देगा ये मन, और सही जगह मन लगाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मीराबाई ने, तो अमर हो गए, अमर हो गए। इसलिए रे मन तू सत्संग कर छोड़ जगत की, अपने मन को इतना भी खुल्लम खुल्ला ना छोड़ दो कि गलत करे, मन को इतनी आजादी ना दो साहब। आजादी मन की गलत है कि सही है? बोलो, मन की आजादी सही है कि गलत है? जोर से, यदि मन को आजाद कर दोगे तो मन रावण बना देगा, और मन को यदि संयम की रस्सी में बांध के रखोगे तो वही मन आपको राम बना देगा। राम के पास भी मन है और रावण के पास भी मन है, बताओ किसका मन कंट्रोल में है, किसका मन अनकंट्रोल है? उत्तर दो। राम का मन कैसा है? कंट्रोल। और रावण का मन? अनकंट्रोल। और आप लोगों का मन? आप लोगों का मन अनकंट्रोल है रावण की तरह? हा, इसे ही ठीक करना है, सत्संग यही कराएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या कहते, महाराज जी हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। क्यों? ये मन की इतनी समस्याएं पहले नहीं थी, मन की समस्याएं अभी कुछ ज्यादा हैं। इसलिए आप लोग
सत्संग करो और अपने आप को ना थोड़ा दुनिया से दूर रखो। अभी पढ़ाई के टाइम पर घूमने के समय घूमना चाहिए, पढ़ाई के समय कोई घूमेगा तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, दुनिया खोपड़ी में घूमने लग जाएगी। आप एक बार घूमने गए दुनिया तो दुनिया आपकी खोपड़ी में घूमेगी फिर, हाँ या ना। इसलिए पहले के जमाने में गुरुकुल जंगलों में होते थे, पहले के जमाने में गुरुकुल जंगलों में होते थे, लोगों से बच्चों को दूर रखा जाता था ताकि बच्चे कुछ भी ना देखें, केवल पढ़ाई। जितना देखोगे उतना मन भटकेगा, हाँ या ना। प्रैक्टिकल कर लो ना साहब, आप जितना देखोगे उतना मन भटकेगा और जितना कम देखोगे उतना कम मन भटकेगा, जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा मन भटकेगा, जितना कम खाओगे उतना मन कंट्रोल। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, क्योंकि मन का संबंध अन्न से है। अन्न अन्न मन अन्न मन, हाँ या ना। जितना कम जितना अच्छा सुनोगे उतना मन कंट्रोल हो, जितना बुरा सुना। अब जो आप लोग दिन भर चुगली सुनते हैं, हाँ क्या हुआ फिर पड़ोसन के साथ, हाँ पड़ोसी ने क्या किया ऐसा, हाँ 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 फिर क्या हुआ फलाने का, ये सब सुनते हो प्रपंच, तो तुम्हारा मन तो बिगड़ेगा ना। कुछ भी खाओगे तो मन तो बिगड़ेगा ना, कुछ भी देखोगे तो मन तो बिगड़ेगा ना। आप कुछ भी देखते हैं, जो आपको नहीं देखना वो भी आप देखते हैं। आप लोग मोबाइल पकड़ लेते हैं और मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं, वो रील्स भी आप देखते हैं जो आपके मतलब की नहीं, वो चीज आप देखते हैं जिनसे आपका कोई दूर दूर तक लेना देना, क्या जरूरत है उन चीजों की। हमेशा वो चीजें देखो जो आपके मतलब की हो, जो आपको कुछ सिखाए, जो आपके फायदे की चीजें हैं वो तो देखो, जो आपके मतलब का नहीं उसे देखने से क्या फायदा, बोलो हाँ। आप लोग फिजूल में कुछ भी देख, आंखों को इतना आजाद ना छोड़ो कि कुछ भी देखे, कान को इतना आजाद ना छोड़ो कि कुछ भी सुने, और जिह्वा को इतना आजाद ना करो कि कुछ भी बोले, और मन को इतना छुट्टा ना रखो कि कहीं भी जाए खुले सांड की तरह घूमे। मन को देख ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, संयम के हरदम ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। यदि कंट्रोल समय पर नहीं किया तो ये तुम्हारा मन तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए मन को कहां लगाओ, ना लगे तो भी प्रभु के चरणों में लगाओ, भगवान को। कानों को कथा से जोड़ो, आंखों से भगवान के दर्शन से जोड़ो, हाथों को समाज की सेवा से जोड़ो, पांव को भगवान के धामों से जोड़ो, शरीर का प्रत्येक अंग अच्छे कार्य में लगाओ, सेवा करो, वरना तुम्हारा मन तुम्हें नचाएगा, ना सोने देगा ना जागने देगा ना जीने देगा ना मरने देगा। आज लोगों का मन ही तो परेशान कर रहा है, आपको कौन परेशान करता है बोलो, मन। आप लोग मन का इलाज करो, और मन का सही इलाज क्या, कैसे मन कंट्रोल होगा, अब बता रहा हूं मैं, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, बताओ कैसे कंट्रोल होगा मन मैया, कैसे। प्रैक्टिस अभ्यास। कुएं पर रस्सी होती है, रस्सी से बार बार बाल्टी उतरती चढ़ती है तो कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाता है, जिसे दोहे पर पिरोया संतों ने कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार के घर्षण करने से पत्थर में भी रस्सी से निशान पड़ गया। आप एक काम करो, एक रस्सी लो और एक पत्थर लो और रस्सी से पत्थर पर निशान बनाओ, कभी ना बना पाओगे आप। लेकिन वो रस्सी, कुएं की रस्सी अखंड चलती है तो धीरे 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 वो पत्थर को घिस देती है। अभ्यास इसी को कहते हैं। अभ्यास करने से अभ्यास इतना पावरफुल होता है कि जैसे एक मंदारी बंदर को अभ्यास करते करते वश में कर लेता है,
बंदर को भी वश में किया जाता है ना मंदारी के द्वारा। जब एक मंदारी बंदर को वश में कर सकता है, जब एक घोड़सवार घोड़े को वश में कर सकता है, जब सर्कस के लोग शेर और हाथी को वश में कर सकते हैं, तो ये मन किस खेत की मूली है, इसे आप क्यों नहीं वश में कर सकते? करने का मन हो तो सब होगा, करने का जुनून हो तो होगा, और नहीं तो गाते रहो महाराज जी, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, ये तो समस्या है। तो मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, अभ्यास साधो। मन नहीं लगे तो भी लगाओ, पूजा में सत्संग में मन नहीं लगे तो भी लगाओ, आज नहीं लगता, कल नहीं लगता, परसों नहीं लगता, मन की कब तक चलेगी? आप अपने मन को एक दिन हरा देंगे। और याद रखो, एक प्रश्न का उत्तर दो, बताओ आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? कौन किसका गुलाम है, आप मन के या मन आपका गुलाम? कौन किसका, ये टोपी वाले भैया बताएंगे, कौन किसका गुलाम है? आप मन के गुलाम हैं, आप बताओ, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? मन आपका गुलाम है, भैया बताओ कौन किसका गुलाम है, आप या मन? आप मन के गुलाम हैं, आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं, आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं, आप बताओ, मन आपका गुलाम है, आप बताओ, मन हमारा गुलाम है। हाँ, यही उत्तर सही है, मन के गुलाम हम नहीं हैं, दो कौड़ी के लोग हैं वो जो मन के गुलाम बने हैं। अरे मन को अपना गुलाम बनाओ ना, मन आपका गुलाम है, लेकिन आपने इतना सिर पे चढ़ा रखा है उसके गुलाम बने बैठे, महाराज जी हम तो मन के गुलाम है, जहां चाहेगा वहां जाएंगे, जो दिखाएगा वो देखेंगे, वो देखेगा कि वो कहेगा कि मुन्नी बदनाम देखो तो हम वही देखेंगे, मुन्नी बदनाम हुई, वो कहेगा कि शीला की जवानी तो शीला की जवानी देखेंगे। आपका मन ही तो आपको भटका, और आप क्या कर रहे हैं, आप मन का सपोर्ट कर रहे हैं। हर बात का सपोर्ट नहीं करना, मन दुर्योधन बन जाए तो भीष्म पितामह ना बने रहना, यदि मन अर्जुन बन जाए तो फिर कृष्ण की तरह सपोर्ट करना। मन को अर्जुन बनाओ, मन को दुर्योधन नहीं, यदि मन दुर्योधन बन गया तो कितना भी पावर हो नाश हो जाएगा, और मन अर्जुन बन गया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप मन को गुलाम बनाओ, मन आपका गुलाम है, आप मन के गुलाम कभी नहीं थे, मान लिए हैं आप तो हम क्या करें, आप तो हार मान गए, मैं हार गई, मैं हार गया, क्यों हार गए? हम भारत के लोग, दुनिया के किसी देश से हमने युद्ध नहीं किया, हमने किसी राजा को जीतने पर विश्वास नहीं किया, हम किसी राजा रानी को जीतना नहीं चाहते, हम भारतीय तो अपने आप को जीतना चाहते हैं। किसको जीतना है? स्वयं को। किसको जीतना है? स्वयं को। अपने को जीतो, अपने को जीतो, केवल अपने को। इसलिए अपने को हारने मत दो, जीतो। हमें क्या बनना है? जितेंद्रिय बनना है, जितेंद्रिय बनो। क्या बनेंगे आप लोग जोर से, क्या बनेंगे? जितेंद्रिय। और जितेंद्रिय कौन हो सकता है? जिसका मन, तो मन नहीं लगता आज के बाद ये सवाल बल बिल्कुल ना करना, मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तुम्हारी मूर्खता है। हमारा मन तो लगता है, भगवान में भी लगता है, काम में भी लगता है, पढ़ने में भी लगता है, जिस काम को करते हैं सारे कामों में मन लगता है हमारा। हमारे साथ तो समस्या नहीं है मन की, हमारा मन हमारा गुलाम, जहां चाहेंगे वहां लगेगा, तेरी नहीं मानेंगे, तू हमारी मान, हम तेरी क्यों माने, क्यों जी, सही है? तो आज से कौन कौन अपने मन को अपने कंट्रोल में रखेगा? मेरी मां, ये मन लगाओ, और मन सेवा में लगाओ, पिता के पांव दबाने में लगाओ, मां के चरण दबाने में लगाओ, लगाओ मन। मन सेवा में लगे, क्यों नहीं लगेगा? लगेगा।
सेवा में मन लगाओ। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर कपिल भगवान गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनुजी महाराज की तीसरी बेटी अभी 24 से 30 नवंबर को सौथिया की बगिया दुर्गा नगर भिंड मध्य प्रदेश में कथा होने जा रही है। जो भिंड क्षेत्रवासी हैं आप लोग इस कथा का लाभ जरूर लीजिए। और भिंड की पावन धरती पर कथा होने जा रही है, आप जरूर आइए। इसके बाद 18 से 24 दिसंबर कानपुर में कथा है, कानपुर। तो जो क्षेत्रवासी हैं जहां पास पड़े आपके वहां के कथा का लाभ लीजिए। मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष से विवाह हुआ, दक्ष की सबसे छोटी बेटी हुई माता सती। कौन? माता सती का विवाह भगवान शिव से जब हुआ, सबसे छोटी बेटी दक्ष की शिव से, एक बार दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया। सभा में सब खड़े हुए, शिव जी खड़े नहीं हुए, तो भरी सभा में अपमान किया दक्ष ने। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप लोग भी कम से कम बोलना सीखिए, जरूरी नहीं है हर जगह काम काम करने लग जाएं। जहां आवश्यकता बोलने की है वहीं बोलिए, जहां जरूरत नहीं है बोलने की वहां तो पेट आप रहो। शंकर जी को लगा यहां बोलना सही नहीं है, दक्ष गालियां देते रहे, शंकर जी चुप रहे। कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी गाली देना चाहिए? यदि आप भी लड़ाई करने लग गए, आप भी गाली देने लग गए, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? इसलिए जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार आपका है वही व्यवहार हमारा हो। आपकी तरह व्यवहार हमारा क्यों हो? आपसे श्रेष्ठ व्यवहार हमारा होना चाहिए। आपके साथ जो जैसा व्यवहार करे उससे श्रेष्ठ व्यवहार आपका हो। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, दक्ष गालियां देते रहे। बाद में श्राप राप भी हुआ, शंकर जी चले गए। कनखल में दक्ष ने यज्ञ किया और सबको बुलाया, पर शिव जी का अपमान करने के भाव से शिव जी को नहीं बुलाया और शिव जी गए भी नहीं। पर माता सती बोली, मैया चला लो मोबाइल, मेरी माँ चला लो, चला लो, सुन लो मेरी माँ। तो भगवान शंकर गए, माता सती और शिव जी नहीं गए क्योंकि दक्ष ने बुलाया नहीं। पर माता सती ने जब सुना कि मेरे पिता ने यज्ञ किया तो चले, माता सती चली गई बिना शंकर जी की आज्ञा के। शंकर जी ने मना किया, मत जाओ, नहीं मानी, चली गई। और वहां पर जब शिव जी का अपमान माता सती ने देखा, शिव जी ने माता सती को छोड़ दिया। सती माना एक बार राम जी की परीक्षा लेने आ गई थी, शंकर जी ने कहा कि ये भगवान है। सती जी को डाउट हो गया कि जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकते। शंकर जी ने समझाया कि वो लीला कर रहे, पर माता सती परीक्षा लेने गई, सीता बन के गई और बाद में राम जी ने पहचान लिया, फेल होके आ गई। तो राम को माता सती ना समझ पाई तो हम और आप अपनी बुद्धि से भला कैसे समझ पाएंगे उन राम को? राम को तो वही जान सकते हैं जिन पर वो कृपा करें, वरना बड़े बड़े मोहित तो हो गए। शंकर जी के बिना आज्ञा के सती जी गईं और पिता के यज्ञ में जब पति का अपमान देखा तो जलकर भस्म हुई। वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और फिर भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह हुआ और प्रेम पूर्वक विवाह करके शंकर जी कैलाश पर विराजे हैं। और बड़े प्रेम से शंकर जी कैलाश पर माता पार्वती के संग रहते हैं। गृहस्थ जीवन में शिव जी प्रवेश कर गए और शंकर जी
समाज को ये प्रेरणा देना चाहते हैं। देखो, जब माता सती दक्ष के यज्ञ पर गई तो सब उनसे बात किसी ने नहीं की, पर माता ने बात की। कोई कैसा भी हो, जमाना बदले तो बदल जाए, पर माँ नहीं बदलती, माँ तो माँ होती। इसलिए हम आप लोगों से कहा करते हैं कि जब माँ आप लोगों के लिए नहीं बदलती तो आप भी अपनी माँ को क्यों बदला हुआ व्यवहार दिखाते हो। आज कल तो देखो कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि जीवन में अच्छे काम करो, अपनी माँ का ख्याल रखो, अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल। गौरी गोपाल आश्रम में 271 माताएं रहती हैं। कितनी माएं? 271। 271 माएं, वो माएं हैं जिनके अपने बेटा, बहू या बेटी, ये सारे लोग समस्या क्रिएट करते हैं, परेशान करते हैं, या खाना पीना समय से नहीं देते, यहाँ से फोन लगाते हैं कि बेटा आओ अपनी माँ को ले जाओ, तो बेटे कुछ बोल देते हैं कि हमारी माँ तो मर गई, हम अपनी माँ को लेने नहीं आएंगे। तब यहाँ इन वृद्ध माओं को रखकर इन माओं की सेवा होती है। ये वही माएँ होती हैं भक्तों जो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलाना सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं। वही बच्चे बड़े होकर माँ को चुप करना, चुप रहना सिखाते हैं। आओ हम आपका परिचय एक माँ से कराएं जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? जबलपुर से। जबलपुर। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है और 6 बेटी। 6 बेटियाँ? एक बेटा है? हाँ। तो बेटा सेवा नहीं करता क्या? नहीं। क्यों? पता नहीं, मतलब ही नहीं रखता मेरे से। बेटा मतलब नहीं रखता, बातचीत नहीं करता? कभी नहीं। यहाँ आप हैं, कभी फोन आया बेटे का? कभी नहीं। चलो बेटा सेवा नहीं करता, तो बेटियाँ तो 6 हैं आपकी। बेटी के पास 3 साल रहे, फिर उसके घर में नहीं, उन लोग के आपस में विवाद होने लगा, तो फिर हम यहाँ टीवी देख के यहाँ आ गए। तो बेटियों के यहाँ विवाद होने लगा? कैसा विवाद, कौन विवाद करने लगा? अब उसको भरा परिवार था तो बोलते माँ को रखी है यहाँ, फिर हम सुन के चले आए। ससुराल वाले ना, यदि कोई बेटी अपनी माँ को रख ले, अच्छा देखो, यदि बेटा है तो बेटा सेवा करे, और बेटा सेवा ना करे तो फिर बेटी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी माँ की सेवा करे। पर बेटी के ससुराल वाले ये प्रॉब्लम करते हैं कि तुमने अपनी माँ को रखा। अब देखो 6 बेटियाँ हैं, एक एक महीने भी रखती तो 6 महीना गुजर जाता, लेकिन ना बेटे रखने को तैयार ना बेटियाँ। अरे तो चलो तुम बेटी और बेटा और ससुराल पक्ष, तुम अपने किसी रिश्ते के नाते ना सही, पर इंसानियत के नाते तो किसी की मदद कर सकते थे ना। ससुराल बेटी के ससुराल पक्ष भी मैं भी तो इंसान लोग ही रहते हैं। क्या एक माँ पति का धर्म क्या है कि मेरी पत्नी की माँ यदि संकट में है तो क्या मैं अपनी पत्नी की माँ की मदद नहीं करूंगा? करूंगा, सास के नाते ना सही भैया, इंसानियत के नाते। वो तुम्हारी अर्धांगनी की माँ है, वो तुम्हारी पत्नी की माँ है, तुम्हारे जीवन साथी की माँ है। स्त्री को भी अपने पति की माँ का ख्याल रखना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी की माँ का ख्याल रखना चाहिए, यही इंसानियत है। अब ये बताओ कि हमारा इन माँ से क्या रिश्ता है? इनके टोटल 7 बच्चे हैं, 1 बेटा और 6 बेटियां, इन 7ों में हमारा कोई नाम नहीं है। हम तो केवल इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। यदि हम इंसानियत के नाते इनकी सेवा कर सकते हैं तो इनकी बेटी के ससुराल वाले भी इंसानियत के नाते इनको घर में जगह दे सकते थे, रख सकते थे। बेटा भी सेवा कर सकता था, बेटा नहीं करता कोई बात नहीं, बहू तो परिचय देती कि ये मेरी सास है, कल को मैं सास बनूंगी, कल मेरा बेटा ऐसा करेगा तो मैं कहां जाऊंगी। याद रखना, जो आप करते हैं वो होता भी है आपके साथ। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है, संभल के रहना। ईश्वर सब देख रहे हैं,
हर बात का हिसाब होगा, सब्र रखो बस। मैया अब आप ये बताइए कि यहाँ आप रहती हैं, यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। आप यहाँ खुश हैं? हम बहुत खुश हैं यहाँ। आप यहाँ रहती हो, आपके रहने के हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? कभी कुछ नहीं, हमको बहुत सब कुछ यहाँ आराम से सब मिलता है, कुछ तकलीफ नहीं। देखो बच्चों को याद जब माएं करती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों से दूर रहना चाहेगी, लेकिन बच्चे जब गिलास भर पानी नहीं देंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो मजबूरन जाना पड़ता है। हम तो आप लोगों से हाथ जोड़कर बस ये कहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी माँ की सेवा करना, और माँ ही नहीं आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में भी कोई ऐसी स्त्री हो जिनके अपने साथ ना दे रहे हो, जिनका कोई ना हो, उनका इंसानियत के नाते आप सेवा करना फर्ज है आपका, कर्तव्य है आपका। जो बेटियां कहती हैं ना कि माँ हमारे हिस्से में होती तो हम माँ को सुखी रखते, देखो हैं तो 6 बेटियां, कहना आसान है मेरी माँ सब कुछ, करने पर जब आता है तो कुछ होता नहीं। इसलिए ऐसी जरूरतमंद माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। मैया अब आपका दूसरा बेटा ये दास अनिरुद्ध है, और यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं और टीवी पर देख रहे हैं सब आप, आज से हम आपके बेटे हैं और बेटियां हैं, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। आप लोगों से बस यही प्रार्थना है, ये कार्तिक का माह है, आप भी किसी एक माँ का सहारा बनो, एक माँ को गोद लीजिए। इन माओं के लिए जगह कम पड़ी तो आश्रम का निर्माण हो रहा है, एक कमरा बनवाकर आप सहयोग कर सकते हैं, एक कमरे बेटा बेटी पति पत्नी किसी के भी नाम का कमरा, या फिर एक कमरे की छत आप डलवा सकते हैं, या एक माँ को गोद ले सकते हैं। जीवन भर रोटी देने का, 1 महीना रोटी देने का, 6 महीना रोटी देने का आप संकल्प कर सकते हैं। यहाँ माओं की सेवा के साथ एक ऐसा अन्न क्षेत्र चलता है जहाँ हजारों साधु संत नित्य प्रसादी पाते हैं, एक दिन की अन्न क्षेत्र की सेवा आप भी कर सकते हैं, अपने बेटे के नाम से, अपनी बेटी के नाम से, आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ से अन्न क्षेत्र बंटवाएं, ताकि संत जब आपकी रोटी खाते हैं ना तो आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। यहाँ संत हजारों संत रोज की सेवा है, ये कोई एक दिन नहीं होता, नित्य। आप भी एक दिन की सेवा बंटवाएं अपनी ओर से, हजारों संतों को रोटी दिलवाएं बच्चों से। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है प्रिय भक्तों, बच्चों को लाया करो, बच्चों के हाथ से पुण्य कराया करो, अन्नदान सिखाओ बच्चों को देना। यहां पर रसोई चलती है, गौरी गोपाल भगवान की रसोई, जहां कोई भी भक्त आए नित्य 30,000 लोग प्रसाद लगभग पाते हैं। आप भी एक दिन की रसोई सेवा अपनी ओर से बंटवाकर पुण्य के भागीदार बनो, अन्नदान करो। यहाँ गौ सेवा होती है, आप भी गायों के लिए गौचर भूमि की 1 गज भूमि 2 गज भूमि गायों के लिए दे सकते हैं, जहाँ गाय के लिए चारा बोया जाएगा। आप भी गुरुकुल चल रहा है गौरी गोपाल गुरुकुल, विद्यार्थियों की सेवा से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ तमाम सेवाएं जहाँ आपको अच्छा लगे अपने धन को उस सेवा से जोड़िए, पर जोड़िए जो पुण्य करेंगे वो आपके साथ जरूर चलेगा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चलती हैं उन सेवाओं से आप अपने आप को जोड़िए। मैया अब आप यहीं रहिए, दास आपका पुत्र बनकर सेवा करेगा। आइए उन दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। संस्कार चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि सह नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार की सेवाएं श्री धाम वृंदावन में चल रही हैं। विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में चलाए जा रहे हैं, और उन सेवा प्रकल्पों से आप कैसे जुड़ सकते हैं। चैनल के माध्यम से अकाउंट नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए इन सेवाओं के लिए अपना नाम श्री धाम वृंदावन में मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के इन सेवा प्रकल्पों को देखकर कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग श्री धाम वृंदावन तक पहुँचाया है। आइए उन
महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपना सहयोग इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन तक पहुंचाते रहें ताकि ये सेवाएं निरंतर इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में चलती रहें। श्री कुसुम अग्रवाल जी आगरा उत्तर प्रदेश से, आप एक कमरे के निर्माण के लिए, उन वृद्ध माताओं के रहने के लिए एक कमरे के निर्माण के लिए आप 5 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री गणेश खरमाजी काटकर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, आप 51,000 रुपए एक छत निर्माण के लिए सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खरगोन मध्य प्रदेश से गुप्तदान के रूप में 20,000 रुपए, चंद्रमणि रस्तोगी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए, श्री अनिल तिवारी जी नागपुर महाराष्ट्र से 21,000 रुपए, राजकुमारी सिंह पश्चिम बंगाल से 21,000 रुपए, नीलम जी हनुमानगढ़ राजस्थान से सभी सेवाओं के लिए 26,000 रुपए, गोपाल कृष्ण दत्ता राजौरी जम्मू कश्मीर से 20,300 रुपए, अंकुश अनिल तिवारी नागपुर महाराष्ट्र से 21,000 रुपए, हरिदत्त पंत उर्मिला देवी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से 11,000 रुपए, लीलावती वेंकटेश पुणे महाराष्ट्र से अनुचित्र के लिए 11,000 रुपए, अभ्यन मिश्रा दिल्ली से 11,000 रुपए, साधना मोहन जी महाराष्ट्र से 10,000 रुपए, धर्मवीर अन्य क्षेत्र के लिए आप 11,000 रुपए, रामकली देवी शामली 11,000 रुपए, वीरेंद्र सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, श्यामलाल धीमान मंडी हिमाचल प्रदेश से 11,000 रुपए, गुंजन फरीदाबाद हरियाणा से 7,700 रुपए, ताइम्मा बलप्पा थाने महाराष्ट्र से आप 5,100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री न्यारा सुमन जन्मदिवस पर मुंगेर बिहार से 51,000 रुपए, अशोक गोपी किशन भिवंडी आप 5,011 रुपए, आशीष कुमार उत्तम नगर दिल्ली से भूमिदान के लिए 5,100 रुपए, रामवती शर्मा करावल नगर दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए आप 5,001 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। सीमा जांगेड़ अजमेर राजस्थान से विशेष सहयोग, जोय प्रसाद पुतुल देवी पश्चिम बंगाल से विशेष सहयोग, विमला जी पोती के जन्मदिवस पर आप चप्पा से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, अनंत कुमार दिल्ली से 21,000 रुपए, लाल बहादुर जालंधर पंजाब से विशेष सहयोग, रुद्रांश केसरी बिहार से 21,000 रुपए, सियाराम यादव चप्पा छत्तीसगढ़ से 5,000 विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, मोनिका देवी मोहाली पंजाब से विशेष सहयोग, रामवती अहिरवार टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से 2,000 रुपए, स्मृति रानी भागलपुर बिहार से विशेष सहयोग, राम कुमारी देवी समस्तीपुर बिहार से 21,000 रुपए, राजीव यादव प्रयागराज से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, अमित शर्मा थाने महाराष्ट्र से 21,000 रुपए, दरस देवांगन संतोष देवांगन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, शांताबाई जगताप बीड महाराष्ट्र से आप विशेष सहयोग 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, श्री लालमणि करोजिया जी उत्तर प्रदेश से आप 2100 रुपए, ओंकार विठल जी रायगढ़ महाराष्ट्र से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, श्रीमती गंगा देवी हल्द्वानी से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं, श्री सुशीला ध्रुव कोंडागांव से छत्तीसगढ़ से आप 3,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, भौमिक प्रमाणिक दिल्ली से विशेष सहयोग, नैन्सी गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा से विशेष सहयोग, अनुज कुमार दिल्ली से विशेष सहयोग, मीनाक्षी मोहाली महा पंजाब से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, प्रकाश चंद्र गुप्ता पटना बिहार से विशेष सहयोग, प्रिंस कुमार सिंह जन्मदिवस पर आप महाराजगंज से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, निशांत चौक से नागपुर महाराष्ट्र से विशेष सहयोग, मुरारीलाल हरदोई उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, प्रेमचंद्र गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए, कड़ियाराम सिंह जी ईश्वरलाल अहमदाबाद गुजरात से 2,000 रुपए, सोहनलाल बनवारीलाल लागौर राजस्थान से विशेष सहयोग, हरिदत्त जी हल्द्वानी उत्तराखंड से विशेष सहयोग, कंचेत कुमार मेरठ उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, मोनिका देवी मोहाली पंजाब से विशेष सहयोग, लक्ष्मीबाई गोवर्धन लाल सेन मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, सुमित केसरी रुद्रांश केसरी जी 2100 रुपए, अमित शर्मा थाने महाराष्ट्र से आप 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री कुसुम अग्रवाल आगरा उत्तर प्रदेश से एक कमरे का निर्माण के लिए आप 5 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपना सहयोग इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन तक पहुंचाते रहें। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से, पूज्य श्री महाराज जी के इन सेवा प्रकल्पों से। आप लोग जो चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं या जहाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी यदि सहयोग से जुड़ना चाहते हैं तो संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर फैस हो रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। भगवान शिव अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर बड़े प्रेम से अपने आगे के कार्य कर रहे हैं। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा आपने सुनी। प्रियव्रत और उत्तानपाद जी की कथा कल आप सुनेंगे। 6:30 बजे यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी। आप 6:30 बजे आकर के प्रश्नोत्तरी का लाभ ले सकते हैं और आगे की कथा कल 1 बजे से आप सभी लोग सुनिए और आनंद लीजिएगा। कल भगवान का जन्मोत्सव भी होगा। आज के लिए आइए भगवान जी की पावन आरती में प्रवेश करें।
श्रीमन्नारायण चरण शरण प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। माम चंद्रमा मनसोर्जात चक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखात् जग्ने राजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी
मगाए संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणता वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे श्याम। अभी जिनको मिलना है अंदर मिलेंगे मंदिर में, जिन्हें भी मिलना है अंदर आकर मिल सकते हैं, कोई बात करनी है आपको आकर बात कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं बात कर सकते हैं और यहाँ भी मिल सकते हैं। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का love